हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट सेशन। हम कर रहे थे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक्स बचे हैं उसमें जो मेजर टॉपिक्स हैं वो है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। अलग अलग दो चैप्टर हैं। 2024 के पहले के सिलेबस की बात करता हूँ, टिल 2023 क्या चल रहा था। सिलेबस में 100 टॉपिक्स थे, ठीक है, दोनों को मिला के, मॉनिटरी एंड फिस्कल को मिला के 100 टॉपिक्स थे। मुझे लगता था इसकी स्टार्ट अच्छी नहीं है, मैं और 5-10% पीछे से चालू करता था। तो लेट्स से आई विल स्टार्ट विद -10, कम टू जीरो एंड देन कवर दीज 100 टॉपिक्स। तो मैं प्रैक्टिकली 110 पीसेस पढ़ा रहा था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, वो 10 को तो छोड़ ही दो, वो तो पहले भी सिलेबस में नहीं थे। जो 100 थे उसमें से बीच से कुछ भी कहीं से भी उठा के बहुत सारी चीजें हटा दी। अब जाके सिलेबस क्या बच गया, ऑलमोस्ट 45-50% सिलेबस बच गए। अब मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि सिलेबस में 50 और मैं 110 पढ़ाऊं, ये ओवरकिल है। क्योंकि तब इकोनॉमिक्स के वेटेज इससे डबल थी, अब वो हाफ कर दिए, तो मैं पूरा का पूरा पढ़ाऊँ, इट्स नॉट जस्टिफाइड। मैं पढ़ाऊंगा आपको बचे हुए पीसेस, फायदे की चीज़ें कम पढ़ना पड़ेगा। एक छोटी सी तकलीफ है, बिकॉज वो पीसेस बीच बीच से कहीं कहीं गायब है, तो मैं आपको पूरा का पूरा उस मेथड से नहीं पढ़ा सकता जो अभी तक चल रहा था, वो ज्यादा हो जाएगा। अगर सिर्फ बचा हुआ पढ़ाऊंगा तो क्या प्रॉब्लम है, बीच के पीसेस छूट रहे होंगे, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें मान के चलनी पड़ेंगी। फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, थोड़ा सा मान लो, रट लो, या मैं बोल रहा हूँ एग्री कर लो वाला अप्रोच लेना पड़ेगा। आई एम नॉट इन ह्यूज फेवर ऑफ दैट। इसका रूट क्या है, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये तो तकलीफ बता दी, इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन एक ही है, मैं तो आपको वही पढ़ा सकता हूँ जो करंट सिलेबस में होगा। आपके पोर्टल पे पुराना वाला कंटेंट पूरा का पूरा है। अगर आपका फेब अटेम्प्ट ना हो के मई या अगस्त अटेम्प्ट है, या फिर अगर आपका फेब अटेम्प्ट भी है और आप अच्छे खासे सॉर्टेड हो दूसरे सब्जेक्ट में, आपके पास समय है, तो आई विल इनकरेज एक बार आप जस्ट वंस उसको ब्रिस्क तरीके से पूरा का पूरा अगर पुराना वीडियो देख लें तो बहुत हेल्प होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके बैठ के नोट्स बनाइए, सब कुछ दोबारा देखिए, नहीं। अगर सिर्फ और सिर्फ आप एक बार पुराना का पुराना एक बार ब्रिस्क पेज से देख लें आफ्टर डूइंग दिस क्लास, तो आपकी हेल्प होगी। क्यों, हो सकता है यहाँ कुछ पढ़ा रहा हूँ उसका एंगल यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं कर पाया हूँ इस वजह से कि वो पहले सिलेबस में था, बढ़ गए, तो अगर आप उसको देख लेंगे तो वो चीजें आपके लिए ऑब्वियस हो जाएंगी, तो इट कैन हेल्प। नहीं, अगर आप यहाँ पे फाइन है, इफ यू आर सॉर्टेड इन दिस, आपको ये समझ ठीक से आ जाए, एंड देन व्हेन यू आर व्हाट यू कॉल राइटिंग अ टेस्ट एंड यू आर स्कोरिंग डिसेंट इनफ मार्क्स, सब कुछ सॉर्टेड है, देन देयर इज नो रीजन, आप बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते रहे, एंड नो रीजन टू वॉच एनी ऑफ द ओल्डर पीस, एंड यू आर सॉर्टेड। ठीक है जी, चलो बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी की। एक बार मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं, आप जो भी जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के बारे में अपने स्कूल के कॉलेज के ज्ञान से, यू कैन शेयर दैट, आई विल बी हैप्पी टू लिसन टू दैट, एंड देन फिर डिस्कस तो कर ही लेंगे क्लास में। चलो, ऑल फेयर पॉइंट्स, आंसर्स तो अच्छे आए काफी। सुनना, जो चैप्टर वैसे अभी डील करने वाला हूँ वो मॉनेटरी पॉलिसी का है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर लूँ बिना फिस्कल पॉलिसी बोले ना, तो एक लाइट कवर हुई दूसरी हुई नहीं, मतलब कॉन्ट्रास्ट नहीं पता चला, वैसा हो जाता, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पूछ लिया था। चलो डिस्कस करते हैं आइए। सुनना, मार्केट में दो एंटिटीज हैं, एक गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल बैंक। ये दोनों आइडियली अलग अलग होनी चाहिए, दे शुड नॉट, मतलब दे मे वर्क इन सिंक विथ ईच अदर बट दे शुड नॉट बी सेम। ये बात समझ आ रही है आपको? आप बोर्ड का एग्जाम देते हो, पेपर सेटर, क्लास का इन्विजिलेटर और पेपर चेकर, ये तीनों अलग अलग लोग होते हैं। मान लो बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ किया जाए कि आपके स्कूल में ही पेपर बनेंगे, या 10th और 12th में ऐसी क्या खास बात है कि वो बोलते हैं नहीं स्कूल में पेपर नहीं बनेंगे। अदरवाइज हर क्लास में क्या किया जाता है, स्कूल में पेपर बनते हैं, वही टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रही होती है वही पेपर सेट कर देती है, वही टेस्ट ले लेती है, वही बाद में पेपर चेक कर लेती है, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? ले, हर बच्चे के 99.9 आने चाहिए, SRCC का एडमिशन लॉटरी से होना चाहिए। सर लॉटरी से ही होता है, दिखता ना बोले लॉटरी से ही होता है। चलो अब तो एग्जाम होने लग गया, अब तो CUET देंगे तो पास होंगे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दीज एंटिटीज फंक्शन इन सिंक विद ईच अदर। सीबीएसई वुड
sync with your school, which will sync with the other testing agencies, which will sync with the checking authorities. ये अलग अलग department होते होंगे ना, but they are not the same department. इसी तरीके से दो अलग अलग bodies exist कर रही हैं. पहला है government, दूसरा है central bank. ठीक है जी, government के हाथ में क्या है? अगर प्योरली गवर्नमेंट की इनकम की बात करूं तो गवर्नमेंट की इनकम कहां से आती है? टैक्सेस. वो शायद सबसे बड़ा सोर्स होगा टैक्सेस से. और चलो ठीक है, ब्याज व्याज आ गया. चलो ठीक, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी के लिए सिर्फ टैक्सेस पे फोकस करते हैं. अच्छा, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इनकम क्या आपने कहा? टैक्सेस. गवर्नमेंट का सबसे बड़ा खर्चा क्या? सब्सिडीज या स्पेंडिंग है ना, वेलफेयर स्कीम लेके आ गए, अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम है ना, वो ये पॉलिटिशियन चिल्लाते रहते हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी 3,000 पे महीना देंगे, दूसरा एक कहता है 1,000 पे महीना, ऐसा कुछ कुछ. हाँ हाँ, मनरेगा नहीं है सब. हाँ ठीक है, हाँ पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, बट यस दीज थिंग्स डू एग्जिस्ट, करेक्ट. गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से हो रही है? टैक्सेस से. गवर्नमेंट के खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं? स्पेंडिंग से. ये चीजों का जिक्र आएगा कहाँ? फिस्कल पॉलिसी में. ठीक है, दूसरी एंटिटी की बात करते हैं हमारे देश के लिए, आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक. उनका क्या काम है? नोट प्रिंट करना. सही बात है, हाँ पैसे ही तुमने छापने, बिल्कुल ठीक बात. और इंटरेस्ट रेट मैनेज करना. ओके, व्हाट एल्स? ठीक है, कुल मिला के लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पैसे से रिलेटेड हर चीज वही करेंगे. ठीक है ना. अब सुनो, जैसे ही आप मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो हर चीज किसके एम्बिट में फॉल कर रही है? रिजर्व बैंक के. गवर्नमेंट के एम्बिट में नहीं फॉल कर रही. मतलब रिजर्व बैंक पे इन्फ्लुएंस हो सकता है किसी तरीके का सरकार का, बट सरकार ही सब कुछ कर रही है ऐसा नहीं होगा. ये आपने देखा होगा बीच में, ये आरबीआई के गवर्नर वगैरह आते हैं, सुना होगा आपने मिस्टर शक्तिकांत दास को इन्फ्लेशन के ऊपर कुछ कमेंट, कल भी हुआ था कुछ 10 बजे सुबह, अगर आप लोगों ने देखा हो तो. तो वो आगे जो भी बात करते हैं वो सरकार के एंगल पे कुछ बात नहीं करते. ही इज टॉकिंग प्योरली अबाउट द मनी मैटर्स, करेक्ट. मॉनेटरी पॉलिसी या अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो उनका इंटेंट क्या है? एट द एंड ऑफ द डे 99% ऑफ देयर एजेंडा इज फोकस्ड ऑन मैनेजिंग इन्फ्लेशन, मैनेजिंग प्राइसेस. ठीक है जी, उनके पास, हम ना डिटेल में एक बार बात बात कर लेंगे, विल जस्ट रीड इट थ्रू, बट एक बार ना पहले मुझे सुन लो. वो ये चीजें किस तरीके से करते हैं जो आप लोगों ने नाम लिए, एक बार उनकी जिक्र कर लेते हैं पहले. इंटरेस्ट रेट जिसको आप कह रहे थे अभी. सुनिएगा, दो तीन एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या पावर्स हैं, किस किस तरीके से सेंट्रल बैंक कोई भी एक्शन ले सकता है. प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करते हैं. मान लो जैसे कोविड हो गया, कोविड के टाइम पे सेंट्रल बैंक की थिंकिंग क्या होगी, एक बार ये बताना. कोविड के टाइम पे सडनली इंडिया की जीडीपी राइज कर गई होगी या फॉल, मतलब अच्छी खासी चलती हुई गाड़ी पे हैंडब्रेक खिंच गया. डिड एनीवन एक्सपेक्ट इट और नो? नो वन इन दिस वर्ल्ड एक्सपेक्टेड दैट सडनली एवरीथिंग विल कम एट अ हॉल्ट. अचानक हर चीज रुक जाएगी तो नहीं एक्सपेक्ट किया था किसी ने, अब रुक गई है. व्हाट विल द गवर्नमेंट हैव टू डू? किसी तरीके से धक्का मार के वो गाड़ी को वापस स्टार्ट करना है. ठीक है ना, you have to somehow ruffle up the engine, make sure that things do not come to a standstill. How do you do that? Government ki to baat hi nahi kar rahe abhi ke liye. Government ki to baat hi nahi kar rahe abhi. Itni der isi liye samjhaya tha ki government ki to baat hi nahi karenge. Abhi Shatikanta Das saab kya soch rahe hain ye batao. Wo ye soch rahe hain ki market mein demand har cheez ki khatam ho gayi hai. Kisi ke paas paisa nahi hai. तो वो मार्केट में पैसा डालना चाहेंगे या निकालना चाहेंगे? डालना चाहेंगे. कैसे डालेंगे? हाँ, अब एक एक करके बात करते हैं. पहला टूल क्या है उनके हाथ में, उसकी बात करते हैं.
उनके हाथ में पहला टूल है इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी दो तीन टाइप के होते हैं। पहला आरबीआई से दूसरे कमर्शियल बैंक्स पे होने वाला एक इंटरेस्ट, करेक्ट। आप डायरेक्ट, आपको थोड़े से पैसों की जरूरत है, आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है, आप एसबीआई चले जाओगे, पीएनबी चले जाओगे लोन लेने के लिए, आपको 100 करोड़ की जरूरत है, आप एसबीआई पीएनबी जाओगे या डायरेक्टली आरबीआई जाओगे? इतने पैसे की जरूरत है, डायरेक्टली आरबीआई नहीं जाओगे। मोदी साहब, सॉरी अंबानी साहब, अदानी साहब, ये कमर्शियल बैंक्स पे जाते होंगे या डायरेक्टली आरबीआई चले जाते होंगे? सर अब आप पॉलिटिकल बातें कर रहे हो। ऑब्वियसली दे वुड गो टू कमर्शियल बैंक्स ओनली। कमर्शियल बैंक्स, आरबीआई सिर्फ किसके साथ डील करेगा? कमर्शियल बैंक्स के साथ। और कमर्शियल बैंक किसके साथ डील करेंगे? पीपल एट लार्ज के साथ, चाहे मतलब चाहे बिजनेसेस, चाहे कंज्यूमर्स, रिटेलर्स, इनके साथ कौन डील करेगा? कमर्शियल बैंक्स। तो दो इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, कौन सा? एक अभी ये फैंसी नाम का तो मतलब ही नहीं, मुझे तो पता नहीं रेपो वेपो क्या होता है। ठीक है, अभी इज्जत से बात करते हैं। दो दो रेट चल रहे होंगे मार्केट में। पहला, अच्छा कमर्शियल बैंक का काम क्या है? दुनिया का सबसे बढ़िया काम ब्याज भट्टे का काम है ना। अगर और इसीलिए तो बैंकिंग के लाइसेंस की इतनी लड़ाई है, क्योंकि करना ही क्या है, पीछे से लेना है 6% पे और आगे देना है 9% पे। थोड़े टाइम के बाद इसी दुनिया से 6% पे लेना है, इसी दुनिया में 9% पे देना, इससे बढ़िया क्या बिजनेस है? आप एफडी जब आपको खुलवानी होती है, आप जाते हो बैंक के पास कि बैंक आता है आपके पास? आप जाते हो कि तो प्लीज मेरा पैसा रख दो, ठीक है जी दे दो। उसके बाद क्या, उसके बाद कोई दूसरा लोन लेने चल जाता है, वही जो एक से पैसा आया दूसरे के पास चला जाता है, इससे बढ़िया काम ही नहीं। आपको वॉच क्या करना है? जिससे पैसा आ गया, यहां तो रिस्क है नहीं कोई, ये तो दे के गए, वो रिस्क में है, कल मैं डूब गया तो, है ना। आपको रिस्क है जिसको आप लोन बांट रहे हो, वो आंख खोल के बांटना है। जो बैंक वो अच्छा, वो उस चीज में अच्छा काम कर लेते हैं, वो HDFC और ICICI बन जाते हैं। जो नहीं करते उस चीज में अच्छा काम, उनका नाम मैं लूंगा नहीं, ठीक है ना। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज द गेम, करेक्ट। दो टाइप के रेट्स अप्लाई हो रहे हैं, कौन से? आरबीआई से कमर्शियल बैंक पे आने वाला इंटरेस्ट रेट और कमर्शियल बैंक से मार्केट में देने वाला इंटरेस्ट रेट। कौन सा रेट ज्यादा होता होगा इनमें? कमर्शियल से पब्लिक वाला, क्यों? क्योंकि उसमें बीच में स्प्रेड ऐड होगा। मान लो ये HDFC है, ये RBI है और ये पब्लिक है, तो ये मान लो इससे रेट लेता होगा FL, ये इसको पैसा देता होगा और इससे इंटरेस्ट लेता होगा क्या? FL, FL मतलब फ्लोटिंग रेट को FL बोलते हैं। यही पैसा ये आगे पास ऑन कर देता होगा, ये इससे लेता होगा क्या? IFL प्लस 1%। इसकी कमाई क्या है? वो 1% इसकी कमाई है। वो इस 1% में इसको क्या करना है? ये 1% इसका ग्रॉस मार्जिन है। नेट मार्जिन कैसे निकलेगा? एम्प्लॉय का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस, रेंट, दुनिया जहान के सारे खर्चे इस 1% से निकल रहे हैं, हाँ या ना? तो ये बैंक लॉन्ग टर्म में कब ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा? जब ये 100 रुपए, ये 100 रुपए है, कल ये 100 करोड़, ये 100 करोड़ हो जाए, कल ये 2000 करोड़, 2000 करोड़ हो जाए, ऐसा। बिकॉज इन दैट केस ये जो 1% निकलेगा वो किसका बनेगा? ये नंबर का। तो प्रैक्टिकली एक बैंक कितना सक्सेसफुल है ये किससे पता चलेगा? उसकी लोन बुक से, उसकी लोन बुक से। उसका काम क्या है? ब्याज भट्टे का। तो वो क्या ही कमा रहा है? वो कमा रहा है जितना उसने मार्केट में पैसा उधार पे चढ़ा रखा है। सही बोल रहा हूँ ना सर? आप वापस आओ ना मॉनेटरी पॉलिसी पे, सब इंटर रिलेटेड है, इसलिए उस तरीके से बात कर ले रहे हैं। इसीलिए बैंक्स की वैल्यूएशन वैसे नहीं होती जैसी सारी की दूसरी चीजों की होती है वैल्यूएशन, दूसरे प्रोडक्ट्स के जैसी इनकी वैल्यूएशन नहीं होती। क्यों? बिकॉज ये नेचर ही थोड़ा सा अलग हो गया ना। और अगर आप सोच के देखो तो वाकई कितना प्यारा बिजनेस है। यू हैव टू फाइंड द वे टू लेंड योर मनी टू अदर्स, दैट्स इट।
आप ये सोच रहे हो कि मैं दूसरे को पैसा कैसे दे दूं, वो तो वैसे ही भूखे हैं दूसरे। सबको आप बोलो इंडिया, देर आर डाइम अ डजन आइडियाज इन दिस कंट्री। मैं किसी से बात करूं बोलेगा मेरे पास एक बहुत अच्छा बिजनेस प्लान है। प्रॉब्लम क्या है? बस पैसे की। ये बैंक बोल रहा है पैसा देने के लिए मैं बैठा हूं, मुझे भरोसा होना चाहिए कि ये जो तू बातें बोल रहा है बकवास नहीं। देर इज सम ग्राउंड टू इट, देर इज सम लॉजिक टू इट। और तू मुझे कोलैटरल दे देना, तेरे को 5 करोड़ का लोन चाहिए ना, तेरा ये 10 करोड़ का घर पड़ा है। कह रहा नहीं नहीं ये पूछता ही नहीं है। मैं कौन सा बेच रहा हूँ, तेरा आइडिया इतना बढ़िया है, मैं तेरे को लोन दे दूंगा, तू ये घर दे जा मुझे। कह रहे बंदा भी सोच रहा है हाँ दे देते हैं, क्या है कल आइडिया सुपर हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे, बैंक को पैसे दे के घर के पेपर वापस ले लेंगे। बिल्कुल सही है, नहीं हो पाया तो कुछ नहीं होता, तेरा पुश्तैनी घर किसी और का पुश्तैनी घर बन जाएगा। इतनी क्या ट्रबल वाली बात है ना। वापस आते हैं डिस्कशन पे। दो इंटरेस्ट रेट्स ऑपरेट कर रहे हैं, दिस एंड दिस वन। अगर गवर्नमेंट, सॉरी गवर्नमेंट वर्ड यूज कर लिया, अगर रिजर्व बैंक ये सोच रहा है कि लोगों के हाथ में पैसा कम है तो वो किस रेट को इम्पैक्ट करने की कोशिश करेगा, ये वाले रेट को, लेकिन करेगा किस रेट से इम्पैक्ट, ये वाले रेट से, हाँ या ना? क्या करेगा, इस रेट को घटाएगा या बढ़ाएगा? घटाएगा। इफ इट डिक्रीजेस दिस रेट व्हाट विल हैपन? ये रेट 7% था या ये रेट 9% था, ये रेट को 5% कर दिया गया, क्या होगा? लोगों को पैसा 6% में मिलने लग जाएगा, है ना? लोगों को पैसा 6% में मिलने लग जाएगा तो क्या लोग ज्यादा बोरो करेंगे? यस मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, मुझे लगता है मैं साल का 24% तो कमाई लेता हूँ। सर आप ये 24 पे कैसे पहुंचे? मेरा तो फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, मेरा तो बनिए के सैकड़े वाला ही हिसाब किताब है ना, बुद्धि गिनने का, पैसा गिनने का। तो मैं तो यही गिन रहा हूँ कि मेरा 2% महीने का छूट रहा है या नहीं छूट रहा। क्या बोलते हैं, सूखी कमाई आ रही है कि नहीं आ रही है 2% की, है ना? ठीक है ना, तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये 2% आ रहा है नहीं आ रहा। तो माई थिंग इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पर मंथ थिंग्स एंड देन नॉट कंपाउंडिंग इट। जो कंपाउंडिंग में बेनिफिट होगा वो उसको गिनते नहीं है। ठीक, हम तो इवेल्युएट करते हैं 2% पर मंथ के बेसिस पे। ठीक है, अब मान लीजिए मैं सच 2% पर मंथ कमाता हूँ, बट इसमें कुछ वेरिएबिलिटी भी होगी। ऑन एन एवरेज 2% पर मंथ है ओवर अ कोर्स ऑफ 3 ईयर्स, बट देयर वुड बी एन ईयर जहां पे सिर्फ 12% 15% भी रहता होगा, एंड देन देयर वुड बी एन ईयर जब 35-36% भी जाता होगा। अब लोअर साइड पे 12 आ गया, हायर साइड पे 36 चला गया, मुझे बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है 9% पे, मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं फील करूंगा। मुझे लगेगा यार कहीं ये साल उतना ठीक ठाक नहीं रहा तो 12% कमाना है, 9% देना है, 3% के लिए क्या मर के काम करना, 25 पैसे महीने के लिए थोड़ी मरेंगे, छोड़ना। अब यही इंटरेस्ट रेट कम हो जाए 9% पे आ जाए, यही इंटरेस्ट रेट कम हो जाए लेट से 6% पे आ जाए, अब मुझे लगेगा यार अब सेम चीज को मैं कैसे प्रोसेस कर रहा हूँ। आई थिंक दैट एज सच आई एम 24%, इवन इन अ बैड ईयर आई एम अर्निंग 12, इफ आई एम गेटिंग दिस अमाउंट एट 6, व्हाई नॉट टेक सम रिस्क यार? बिकॉज 12 तो वर्स्ट केस सिनेरियो में, क्या पता 15-18 भी आ जाए, तो मेरे पास जो पैसे हैं उस पर तो रिटर्न बन ही रहा है। एडिशनल मनी पे अगर मैं 16% जनरेट कर गया और यहाँ 6 देना भी है तो एडिशनल मनी पे 10% आएगा, क्या बुरा? 5 करोड़ का लोन ले लूं तो साल का 50 लाख कमा ही रहूंगा, महीने के 4-5 लाख रुपए क्या काट रहे, ठीक है ऊपर ऊपर खर्चे निकल जाएंगे। दिस हाउ अ बिजनेसमैन थिंक्स लाइक, इजंट इट? अब मुझे एक चीज बताना, इन दिस सिनेरियो, अरे फिर बड़ी बड़ी बात है एक्सपेंशनरी इफेक्ट, मेरे को नहीं आता ये सब, इसकी मेरे को जो आता है वही बढ़ाऊंगा ना, कर लेंगे वो भी आता है, चिंता ना करो। लोग कह रहे हैं बता नहीं आता नहीं, आगे पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, कर लेंगे, आता है डरो मत। ठीक है अभी वो जार्गन्स पे नहीं जाते। एट द एंड ऑफ द डे दिस डिमांड विल इंक्रीज व्हेन व्हेन द प्राइस इज गोइंग डाउन, सिंपल। पहला तरीका मार्केट में पैसा डालने का क्या हुआ? बाय चेंजिंग द इंटरेस्ट रेट्स। मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स में देर आर 3 पीसेस, ओपन मार्केट ऑपरेशन, डिस्काउंट रेट और रिजर्व रिक्वायरमेंट। अभी मैंने डिस्काउंट रेट्स की बात की है, ठीक है जी।
सर इनको डिस्काउंट रेट क्यों बोलते हैं, अभी के लिए छोड़ दो उसको, एक बार पूरा का पूरा डिटेल में जब नोट्स के एंगल से करेंगे पूरा सब कुछ, नोट्स में जब लिखवाऊंगा तो आपको सब कुछ शॉर्ट हो जाएगा। अभी के लिए जैसा ऊपर ऊपर से बात कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट फाइन फॉर मी। सेकेंड एक आ रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, एक आ रहा है रिजर्व रिक्वायरमेंट। पहले बात करते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट की। चलो यहाँ पे लिखा है, पढ़ी लो, द अमाउंट ऑफ मनी द बैंक मस्ट होल्ड इन रिजर्व। फिर बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, कैश रिजर्व रेशियो, और भी कोई रिजर्व होता है? अब एक सेकंड रुको, पॉज कर देता हूं, सुनना। सुनो बात करते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट्स अगेन, बड़े बड़े वर्ड्स छोड़ देते हैं, लॉजिकली सोचते हैं चीजें सॉर्टेड होगी। वो जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं वो है भी नहीं बाय चांस कोर्स में, ऐसे ला रहे हैं मिला रही है, इंडियन पर्सपेक्टिव से बहुत है जी, छोड़ दो सबसे। कैश रिजर्व रेशियो दिस दैट, जब आप इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे खुद से तो आपको जो मैं स्टोरी बोलूंगा उससे रिलेट हो जाएगा। मुझे बताना HDFC का धंधा क्या, RBI से पैसे लेने और आगे दे देने, लेकिन RBI कितने टाइम तक ही देता रहेगा पैसे, RBI कैसे देगा, छाप छाप के, यही हो रहा है ना। और मुझे एक बात बताओ, अगर मार्केट में टोटल पैसा सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये, मान लो सिर्फ 100 रुपये मार्केट में, सिर्फ टोटल पैसा जो घूम रहा है सर्कुलेट हो रहा है वो 100 रुपये, ठीक है। कल RBI ने HDFC को देना था, उसने बोला कुछ नहीं होता मेरे पास तो वो नासिक में लगी हुई है फैक्ट्री, हम छापेंगे तेरे को दे देंगे। अब मार्केट में 100 रुपये के बदले 200 रुपये हो जाए, प्रॉब्लम क्या होगी और बेनिफिट क्या होगा, सर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो कितना मतलब जो क्यों? पैसा था 100 अब वो भी दुगना हो गया, अब इस टाइम भी सर बहुत आ जाएंगे सुनो ठीक मार्केट है में। सुनना, जैसे जैसे मनी की प्रिंटिंग होगी मनी की वैल्यू डाउन होती जाएगी, क्यों? बिकॉज उसकी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, ये तो पढ़ के आए हो आप, वैसे ही डिमांड एंड सप्लाई में, आप सप्लाई इंक्रीज करो डिमांड उतनी रह जाए तो क्या होगा, सॉरी अगर आप सप्लाई इंक्रीज करो, सप्लाई इंक्रीज करो मार्केट में डिमांड की तरफ, मतलब डिमांड इंक्रीज नहीं हो रही है, व्हाट विल हैपन, प्राइजेस विल ड्रॉप, यस नो, प्राइजेस विल ड्रॉप। ये लोग ये जितने भी व्हाट डू यू कॉल फास्ट फैशन और जितने भी फैशन के प्रोडक्ट्स हैं, इनमें क्यों साल में एक बार सेल लगती ही लगती है, दो बार सेल लगती ही लगती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इन द नेक्स्ट सीजन दिस स्टॉक विल बी रिडंडेंट, पीपल विल नॉट बाय इट, दिल से ओके ये तो लास्ट ईयर का स्टॉक है, दिस इज नॉट इन द ट्रेंड एनी मोर, तो सप्लाई ज्यादा हो गई है डिमांड है नहीं, तो वो सस्ते दाम में बेच देते हैं, प्राइस ड्रॉप कर रहे हैं ना। सिमिलरली अगर यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है डिमांड नहीं मैप हुई साथ में तो क्या होगा, प्राइजेस डिक्रीज होंगे, इफ द प्राइजेस आर डिक्रीजिंग, इफ द प्राइजेस आर डिक्रीजिंग व्हाट डज इट मीन, द पावर ऑफ द मनी इज गोइंग डाउन, यस नो, यस नो। अच्छा एक सेकेंड रुकना, आप मुझे एक बात बताओ, इन जनरल HDFC जो है ये सिर्फ RBI से पैसे लेता होगा या पब्लिक से भी पैसा रिसीव करता होगा? सिर्फ रिसीव करता होगा, इनको जब ये इंटरेस्ट रेट देता होगा तो 6% पे देता होगा, और जब इनसे इन्हें लोन दिया, रुपीस दिया लोन, तो जो इंटरेस्ट रेट लिया वो क्या लिया, 9%, और यहां पे रुपीस दिया एज इन्वेस्टमेंट, पब्लिक ने पैसा दिया एज इन्वेस्टमेंट, मतलब ये क्या है, यहां पे FD करवा दिया, मान लो लोगों ने पैसा दिया एज FD, इनको क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 6%। HDFC ने रुपीज दिया एज लोन, पैसा दिया एज लोन, इनसे रिटर्न में क्या मिलेगा, 9% इंटरेस्ट रेट, यस नो। बैंक ने क्या कमाया, 3%। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम सुनना, मान लो ये 100 रुपये यहां से मिले थे और यहां पे 100 रुपये दिए थे, इफ दिस इज द चार्ट दैट इज गोइंग टू हैपन, कि बैंक के पास जितना पैसा आए ये उतना ही पैसा पब्लिक में वापस अगर डाल दे तो प्रॉब्लम क्या होगी, अगर किसी दिन मान लो एक ही कस्टमर है, एक इन्वेस्टर है और एक पर्सन है जिसने लोन लिया, मान लो इन्होंने इन्वेस्ट किया, इन्होंने अपनी FD खुलवाई, ठीक है, मैंने आपको मान लीजिए लोन के तौर पे दे दी, ए ने इन्वेस्ट किया, बी ने लोन ले लिया बैंक से, मेरे पास 100 रुपये आए ए से, मैंने कहा ठीक है तुम्हें साल के एंड में 6% दे दूंगा, मैंने बी को दे दिया,
एज लोन बी ने मुझे साल के अंत में 9% ब्याज दे दिया, मैंने 6% आगे पास ऑन कर दिया, 3% मेरे पास आया, ग्रेट बिजनेस, ये HDFC है। मिस्टर ए ने FD खुलवाई, ठीक है, मैंने कहा मैं आपको ईयर एंड पे 6% दूंगा, ये प्रॉमिस दे दी। HDFC ने मिस्टर बी को लोन दे दिया और मिस्टर बी ने HDFC को प्रॉमिस दे दिया कि मैं तुझे 9% दूंगा। बढ़िया धंधा है, दोनों ने 100-100 रुपए लिए और दे दिए, करेक्ट। एफडी जमा, एफडी बनी HDFC के पास, उसने लोन दे दिया, जिस दिन एफडी बनी, जिस दिन लोन दिया गया, उसके अगले दिन पे मिस्टर ए वापस आ गए, कह रहे वापस दे दो मेरे को मेरा पैसा, नहीं करानी तुम्हारे पास एफडी। HDFC क्या बोलेगा? बोलेगा FD में डिपॉजिटेड है, साल की FD होती है, ऐसे कैसे दे दूं अभी। तो मिस्टर ए क्या बोलेगा? बोलेगा एक बार डॉक्यूमेंट दोबारा पढ़ ले, उस पे लिखा हुआ है कि 1 साल के बाद पैसे तुम मुझे दोगे 6% ब्याज के साथ, अगर मैं अभी भी तुमसे वापस लेता हूं तो तुम मुझसे कुछ फाइन टाइप का ले लोगे, FD ब्रेक करने की कुछ पेनल्टी ले लोगे, और क्या करोगे, नहीं देने मुझे पैसे वापस दो। ऐसा थोड़ी है कि जमा करके बैठ जाओगे अपने पास और 1 साल के बाद ही दोगे, यू कैन स्टिल ब्रेक एन FD, isn't it? FD का ये रूल नहीं होता कि आपने FD करा दिया सीधा इतने टाइम बाद पैसे मिलेंगे, आपको जब चाहिए आप तब तोड़ सकते हैं पैसे को। इट्स जस्ट दैट इफ यू ब्रेक योर FD अर्ली, यू डू नॉट गेट द प्रॉमिस्ड रेट्स, यू हैव टू बियर सम कॉस्ट ऑफ इट। बोल रहे ठीक है ना, कॉस्ट देने को तैयार हूं मैं, तुम मेरे को मेरा पैसा वापस दो। अब क्या होगा, क्या HDFC के पास पैसे पड़े हैं? नहीं। ये HDFC ऑपरेट किस मॉडल पे कर रहा है? HDFC इस मॉडल पे ऑपरेट कर रहा है दैट बॉस ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास FD करा के गए हुए हैं। हाँ या ना? और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को लोन बांटना है। द डिसीजन मेकिंग शुड हैपन इन सच अ मैनर दैट, कुछ कैलकुलेशंस ऐसी की जाएंगी, अगेन प्रोबेबिलिटी बेस्ड कैलकुलेशन। आप ये बोलोगे कि जितने लोग मेरे पास से डिपॉजिट करा के गए हैं, जितने लोगों ने मेरे से सॉरी हाँ जितने लोगों ने मेरे से ये डिपॉजिट का मुझे व्हाट डू यू कॉल दिया है, Whosoever has given me this deposit, past basis पे कितने परसेंट लोग मुझसे वापस आके मांग सकते हैं? ये डेटा होगा ना कि 100 लोग अगर मेरे पास पैसा जमा कराते हैं तो 10% लोग जल्दी आ जाते हैं, 50% लोग नियर मेच्योरिटी आते हैं, 40-50% लोग तो FD कंप्लीट होने के बाद ही आते हैं, डेटा होगा। एक ये डेटा आपने बैठ के कंप्यूट कर लिया, ऑन बेसिस ऑफ दैट यू रियलाइज दैट बॉस, मान लो अगर आपको ये समझ आ गया कि जितने लोगों ने पैसा जमा कराया, मान लो 50 लोगों ने पैसा जमा कराया, तो 5,000 रुपए, 5,000 रुपए बैंक के पास आ गए थे, और आपने कैलकुलेशन किया और आपको कैलकुलेशन में ये दिखा कि करीब करीब 20% लोग जल्दी आके पैसा मांग सकते हैं, तो 5,000 का 20% 1,000 रुपए आपके पास हमेशा पड़ा होना चाहिए, हाँ या ना? तो जो लोन बांटोगे वो सिर्फ 4,000 का बांटना भाई, तुम्हारे पास जितना भी पैसा आता है उसका 20% कभी लोन मत दो, उतना तुम्हारे पास पड़ा होना चाहिए, अदरवाइज क्या प्रॉब्लम है? अदरवाइज लिक्विडिटी रिस्क आ सकती है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपने पैसा लिया सिस्टम में वापस डाल दिया, अगर आपसे डिपॉजिट होल्डर्स ने वापस आके पैसा मांगा तो आप उसको रीपे ही नहीं कर पा रहे, रीपे नहीं कर पा रहे तो ये लिक्विडिटी रिस्क है। लोग क्या बोलेंगे कि आप ATM में डालते हो, अपना कार्ड डाला, आपके अकाउंट में दिखा रहे 25 लाख रुपए, आपने किया हाँ 20,000 रुपीज विड्रॉल, कह रहे सॉरी नो मनी, आपने कहा ATM में पैसे नहीं, आप बैंक चले गए, कह रहे हाँ जी ये लो मैम चेक सेल्फ का, मुझे हाथ में 20,000 रुपये चाहिए, कह रहे हमारे पास अभी पैसे नहीं। इसका क्या मतलब है? आप बैंक जाओ, बैंक में पैसा नहीं है, ये व्हाट सॉर्ट ऑफ बैंक इज दिस? हाँ या ना? व्हाई आर पीपल डिपॉजिटिंग देयर मनी इन द बैंक्स? Because they are sure that whenever they go over there, they will get their money back. Otherwise, तो अपने जान पहचान के साहूकार के पास पैसा जमा करा दो, लोन पे भी अपने आस पास किसी बिजनेसमैन को पकड़ के लोन दे दो। अगर ऐसे ही कहीं जमा कराना है और जाके यही सुनना है कि हाँ आज नहीं है फिर ले लेना, तो बैंक के पास क्यों जाना है? फिर तो किसी बिजनेसमैन के पास जाके डिपॉजिट करा दो, वो 1% का ब्याज देगा महीने का, बैंक आधे टके का देने वाला है।
आप क्यों बिजनेसमैन को नहीं दे रहे? बिकॉज वो कल अपने दर्द बताएगा, आप उसके पास जाओगे, आप बोलोगे कि यार मेरे को पैसे चाहिए मेरे, वो बोलेगा मेरी पेमेंट आने वाली है फिर देता हूँ तेको, फिर बोलेगा सॉरी यार दिवाली के बाद लेबर छुट्टी पे चली गई थी, फैक्ट्री नहीं खुली, आगे से पेमेंट नहीं आई है ना। बैंक में देर इज नो ऑप्शन टू लिसन टू नो वी डू नॉट हैव फंड्स। व्हाई इज देयर नो ऑप्शन टू लिसन टू द फैक्ट दैट ओके वी डू नॉट हैव फंड्स? बिकॉज दे मेंटेन रिजर्व। दिस इज द लॉजिक ऑफ रिजर्व। अब अगर मार्केट की कंडीशन ऐसी है, अच्छा ये रिजर्व ये डिसाइड कैसे हुए? आरबीआई ने स्टडी किया होगा कितने लोग वापस आके ले लेते हैं पैसा, तो उसके हिसाब से कुछ रिजर्व रख लो। अगर टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, इन गुड टाइम्स व्हाट विल द गवर्नमेंट से? बैड टाइम्स की चलो बात करते हैं, इन बैड टाइम्स व्हाट विल द गवर्नमेंट से? दे विल से दैट बॉस ये जो परसेंटेज हमने निकाला है ये एक रेंज बनी होगी ना, 15 से 25% कर लेना चाहिए, हाँ या ना? गवर्नमेंट ने जब स्टडी किया कि कितने लोग वापस आते हैं या कितना पैसा हमारे पास हमेशा रहना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारे ऊपर कोई भी लिक्विडिटी का रिस्क ना आए, तो इनका एक पॉइंट एस्टिमेट आया होगा, एक रेंज एस्टिमेट आया होगा। रेंज एस्टिमेट इज सुपीरियर, क्वांट पे पढ़ के आए, इनके दिमाग में एक रेंज बनी होगी कि हाँ 15 से 25%, 15 से 25% पैसा हमें एज रिजर्व ब्लॉक कर लेना चाहिए, हाँ या ना? 15 to 25। और इसमें आके आरबीआई ने बोला होगा ठीक है 20% रिजर्व, लेकिन उनके पास विंडो क्या है 15 और 25 की। अब अगर वो मार्केट में मनी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, इस रिजर्व को, इस रिजर्व के साथ खेल सकते हैं। अगर वो चाहें कि 20% रिजर्व रहे तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं, मार्केट में 80% फेंक दो, 80% बोरोइंग, मतलब 80% पैसा मार्केट में फ्लोट करने दो, आपके पास जो भी पैसा आ रहा है एज डिपॉजिट उसका 80% मार्केट में वापस जाने दो, हाँ या ना? अगर इसे 15% कर दिया जाए तो मार्केट में पैसा ज्यादा जाने दो, अगर ऐसे 25% कर दिया जाए तो मार्केट में पैसा कम जाने दो, हाँ या ना? अब बैंक ये रिजर्व्स कितने रखेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो मार्केट में कितना पैसा देना चाहता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कोविड टाइम्स व्हाट वुड दे वांट? दे वुड वांट मोर मनी टू बी इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक। व्हाट वुड दे से? दे वुड से ओके लेट्स ऑपरेट एट दिस लेवल, हाँ या ना? लेट्स ऑपरेट एट दिस लेवल एंड लेट 85% मनी बी इन द मार्केट, हाँ या ना? आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट? गवर्नमेंट को कितना पैसा मार्केट में फ्लोट होने देना है ये उस बात पे डिपेंड करेगा, सॉरी मैं गवर्नमेंट बोल दे रहा हूँ ये गलती है, आरबीआई को मार्केट में कितना पैसा फ्लोट होने देना है ये उस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कितना रिजर्व रखे। उनका डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया क्या है? मार्केट का पैसा वो कंट्रोल कैसे करेंगे? बाय रिजर्व, ठीक है ना? तो इफ दे वांट मोर मनी इन द मार्केट दे विल से ओके वी आर रेडी विद लेस रिजर्व, इफ दे वांट लेस मनी इन द मार्केट ही विल से कीप मोर रिजर्व, यस नो? हाँ सर ये ठीक है, आगे चलो। ओपन मार्केट ऑपरेशंस पढ़ना एक बार क्या लिखा हुआ, बाइंग और सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसका मतलब बताओगे मुझे? नेक्स्ट आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखा है बाइंग और सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सुनना ऐसा है, व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे आर टॉकिंग अबाउट प्योरली अबाउट बॉन्ड्स, ठीक है? क्या आप गवर्नमेंट, मतलब आप चलो आपके लिए वैसे नहीं बोलते, क्या एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स में, टी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं? द आंसर इज वेरी मच यस। What RBI starts doing is that it itself becomes a player and starts dealing with it. सही बात समझ नहीं, दोबारा बोलो। ऐसा है, अगर मार्केट में पैसा ज्यादा फेंकना है तो वो क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी खरीद लेते हैं पैसा चला जाएगा सिस्टम में, हाँ या ना? सिक्योरिटीज खरीद लेते हैं, मार्केट में फ्रीली ट्रेड हो रहे हैं, सिक्योरिटीज खरीद लेते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है खरीद लेते हैं हम, मार्केट में पैसा चला जाएगा, सही बोल रहा हूँ? एक मंडी है जिसमें बेचने कौन बैठा है सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट,
वहां पे कौन खरीदने के लिए बैठा है? इन्वेस्टर्स, HNIs वगैरह, मतलब ये जितने बाहर के फंड्स हैं, इनको परमिशन होती होगी ना इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की? यस नो? अभी यूएस में, यूएस और कनाडा का एक पेंशन बोर्ड है, पेंशन बोर्ड मतलब वहां पे जैसा आपकी ग्रेचुटी पीएफ कटता है, उनका भी कटता होगा, उनका ग्रेचुटी पीएफ कटा तो वहां पे किसी बंदे को $100 सैलरी मिलनी थी, उसको $90 मिली, $10 गवर्नमेंट ने रख लिया उसके, क्या करेगा? जो बाइडेन साहब हर अमेरिकन की मंथली सैलरी से $10 निकाल रहे, क्या करेंगे इस पैसे का? उसको इन्वेस्ट करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हर बंदा जब रिटायर होगा तो उसको देने वाले हैं, तो ऐसा तो करेंगे नहीं कि हाँ आज सबसे पैसा ले लिए, गड्ढा खोद के उसमें डाल दिए और उसके बाद निकाल के वही दे दिए, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। वो क्यों कर रहे हैं? सो वो बोल रहे हैं यू आर नॉट सोफिस्टिकेटेड इनफ टू इन्वेस्ट योर ओन मनी एंड मैनेज योर रिटायरमेंट, बट यू आर द सिटीजंस ऑफ माय कंट्री एंड आई विल सेफगार्ड योर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। यही है ना पॉलिटिकल स्पीच। तुम 60 तक काम करो, तुम देश में टैक्सेस भरो, तुमने इस देश को आगे बढ़ाने में हेल्प किए, 60 के बाद तुम काम करने लायक होने, तुम्हें आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे, करेक्ट? यही है डील। कैसे करेंगे? वो बोल रहे हैं ठीक है तुम्हारी ₹100 की तनख्वाह, उसमें ₹10 कटता होगा, वो पेंशन बोर्ड के पास चला गया, ग्रेचुटी फंड में चला गया, वो ये पैसे को वो इन्वेस्ट करेंगे कहाँ? यूएस में टेस्ला में डालते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट में डालते होंगे, यूएस के बॉन्ड्स में डालते होंगे, हाँ या ना? और उसके बाद थोड़ा सा पैसा लेके उन कंट्रीज में जहां पे ग्रोथ ज्यादा है वहां डालते होंगे, तो उनमें से एक कंट्री इंडिया निकलेगी। वो कह रहे हाँ इंडिया शाइनिंग, इंडिया ग्रोइंग, चिल्ला रहे मोदी साहब भी, इंडिया शाइन कर रहा है, GDP है ना, विश्व गुरु कह रहे, सब तो सही कह रहा है इंसान, दो इसको भी पैसा, ठीक है। वो इंडिया में पैसा डालते होंगे, यस नो? तो वो ये बॉन्ड्स खरीदते होंगे, यस नो? वो खरीद रहे होंगे। अब इन्हीं बॉन्ड्स को खरीदने बेचने में एक पार्टिसिपेंट खड़ा होगा RBI, वो बोलेगा अगर मार्केट में पैसा डालना है तो सिक्योरिटीज ले ले, पैसा दे दे, पैसा चला गया सिस्टम और अगर मार्केट से पैसा खींचना है तो क्या कर, जितनी सिक्योरिटीज पड़ी है बेच दे उठा के, जितनी सिक्योरिटीज पड़ी है बेच दे उठा के। सर खरीदार नहीं मिले तो? अरे खरीदार खूब मिलेंगे, वो रेट डाउन कर देगा, खरीदार खूब मिलेंगे तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में सिक्योरिटीज पहुंच जाएगी और नोट सारे अंदर हो जाएंगे, यस नो? ऑल वैलिड पॉइंट्स और नॉट, दीज आर द थ्री वेज दैट द सेंट्रल बैंक विल मैनेज द मनी सप्लाई इन द मार्केट। मनी सप्लाई को मैनेज करने की जरूरत ही क्या पड़ रही है, क्योंकि वो प्राइस को इफेक्ट करना चाहते हैं। मनी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रपोर्ट, मतलब डायरेक्ट मनी सप्लाई इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द प्राइस, ठीक है। जो मैं बोल रहा था ना पिछली वीडियो जाके देखना, वहां पे ये एक्सप्लेन किया कि क्यों होगा ऐसा, उनको प्राइस को इम्पैक्ट करके मिल क्या रहा है, सोच के देखो ना। गवर्नमेंट को तो आउटपुट से मतलब होना चाहिए ना, और है तो एट द एंड ऑफ द डे RBI इज अ गवर्नमेंट ओरिएंटेड बॉडी, तो इनको भी आउटपुट से मतलब होना चाहिए, तो ये प्राइस को इम्पैक्ट करने की उतनी सोच ही क्यों रहे? लेकिन ये पीस अभी कवर नहीं कर सकता, अभी के लिए जितना डिस्कशन कर रहा हूं उतना इनफ है। हमें ये समझ आया, हमने एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लिया कोविड का। कोविड के टाइम पर गवर्नमेंट क्या चाहती थी, मार्केट में पैसा बढ़े या घटे? बढ़े। मार्केट में पैसा बढ़ाने गवर्नमेंट के पास तीन हथियार, शिट मैन आई शुडंट से गवर्नमेंट, लेट मी रिफ्रेज एवरीथिंग। कोविड के टाइम पर आरबीआई क्या चाहता था, मार्केट में पैसा बढ़े या घटे? बढ़े। आरबीआई के पास तीन टूल्स, तीन हथियार क्या है? पहला डिस्काउंट रेट, दूसरा रिजर्व रिक्वायरमेंट, तीसरा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि मार्केट में पैसा बढ़े तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अगर पैसा बढ़ाने को एक्सपेंशनरी बोल रहे हैं तो पैसा घटाने को क्या बोलते होंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट? अगर गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाना चाहती है, फिर गवर्नमेंट बोल दिया, अगर आरबीआई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को मार्केट में लागू करना चाहती है तो वो किस तरीके से ऑपरेट करेगी, वो डिस्काउंट रेट को क्या करेगी, डिस्काउंट रेट मतलब लेंडिंग रेट, लेंडिंग रेट फ्रॉम आरबीआई टू एसबीआई, लेंडिंग रेट फ्रॉम आरबीआई टू HDFC, लेंडिंग रेट फ्रॉम आरबीआई टू अदर कमर्शियल बैंक, इसको क्या करेगी, इसको घटा देगी, इसको घटा देंगे, इसको कम कर देंगे, सो दैट मार्केट में पैसा सस्ते रेट पे पहुंचे, लोगों में पैसे की
मतलब पीपल बिकम मोर इंसेंटिवाइज टू टेक लोन, यस नो? तो पहला एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए क्या होगा, डिस्काउंट रेट को कम करना, आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट? सेकेंड, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में क्या होगा, अगर आरबीआई ये चाहता है कि मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़े, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो, इन दैट सिनेरियो वो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज? डिक्रीज। क्यों? अगर कम रिजर्व रहेगा तो ज्यादा लोन दिए जाएंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। यहां पे अगर आरबीआई चाहता है कि लोगों के पास ज्यादा रहे पैसा, तो वो क्या करेगा, वो सिक्योरिटीज को बाय करेगा या सेल करेगा? बाय करेगा। बाय करने से क्या होगा, सिक्योरिटीज आ जाएंगी, पैसा चला जाएगा। आरबीआई के हाथ से पैसा गया, मार्केट में पैसा बढ़ा, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आएगा बाय। ये कब होगा, ये होगा एक्सपेंशनरी के केस में। कॉन्ट्रैक्शनरी के केस में क्या होगा, सेल राइज राइज। आर वी गुड टिल दिस पॉइंट? श्योर। एक बार ये पूरा का पूरा रीड करिए, फिर आगे मूव करते हैं। इनफैक्ट पूरा का पूरा पेज रीड करिए। आप में से जो लोग इसे रिकॉर्डेड मोड पे व्यू कर रहे हैं, माय स्ट्रॉन्ग सजेशन टू यू इन दिस केस वुड बी, वीडियो को यहीं पर ही पॉज करिए, पूरा का पूरा पेज रीड करिए एंड देन मूव अहेड। और जहां पे आपने ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो से जस्ट ऊपर में ये वाला जो पीडीएफ है ये मैंने लगा रखा है, आप चाहें तो वहां से भी इसे स्टडी कर सकते हैं। डू नॉट प्रोसीड अहेड विदाउट रीडिंग द होल पीस। चलो रीड करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी रीड करते हैं पहले। मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू द एक्शंस टेकन बाय अ कंट्री सेंट्रल बैंक, अपने लिए आरबीआई, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इसके आगे का छोड़ दो, भले इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कह रहे हैं, अभी के लिए छोड़ दो रेपो रेट वगैरह, इग्नोर करिए उसको। की टूल्स, तीन टूल्स पढ़ के आए हम, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, डिस्काउंट रेट एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना इज द ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। ठीक है, एज सच बात कर रहा हूं पूरे के पूरे, मतलब मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया उसमें बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की, बट मुझे लगता है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी साथ में कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हो रहा हो तो क्लैरिटी ज्यादा आती है, इसीलिए थोड़ा सा डिस्कशन फिस्कल पॉलिसी का भी होगा। आगे देखते हैं, फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व द यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन एंड बोरोइंग्स टू इन्फ्लुएंस द ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अचीव स्पेसिफिक माइक्रो इकोनॉमिक गोल्स। अभी के लिए इसको इग्नोर ही कर दो, ठीक है, सिर्फ इस पे फोकस करो। फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व द यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट टैक्सेशन, ये चीज कौन डिटरमिन करता है, गवर्नमेंट या आरबीआई? कल शक्तिकांता दास साहब एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल सकते हैं क्या कि अगले साल से मैं इनकम टैक्स के रेट्स को 25% जो अभी, मतलब से जो कॉर्पोरेट्स को जो 30 से 25 किया गया था, मैं 25 से वापस 35 पे ले जाता हूँ। कैन ही टुमारो डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड टॉक अबाउट द टैक्सेशन? क्यों, वो उसके एम्बिट में फॉल नहीं करता है ना, वो निर्मला सीतारमन मैम आके बोलेंगे, शक्तिकांता दास साहब आके बात नहीं कर सकते। अच्छा, इन दो एस्पेक्ट्स की एक बार बात करते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और गवर्नमेंट टैक्सेशन। गवर्नमेंट टैक्स को कैसे इंपैक्ट कर सकती है, इंक्रीज या डिक्रीज? गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कैसे इंपैक्ट कर सकती है, इंक्रीज या डिक्रीज? यस नो, दोनों केसेस में, चाहे स्पेंडिंग, मतलब चाहे स्पेंडिंग की बात करूं, चाहे टैक्सेस की बात करूं, The final result is in the hands of people at large. Government के एंगल से क्या डिफरेंस आ रहा है, एक में उनका सब इनकम साइड हर्ट हो रहा है, एक मतलब एक में उनका इनकम साइड पे इम्पैक्ट आ रहा है, एक में उनके एक्सपेंसेस साइड पे इम्पैक्ट आ रहा है ना? आगे मूव कर लो। अच्छा मुझे बताओ, कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट क्या सोच रही होगी, फिस्कल पॉलिसी के एंड पे अगर सोचें, अगर लोगों
अगर कोविड का टाइम चल रहा है एंड दे समहाउ वांट टू इंपैक्ट दिस इकोनॉमी, तो वो क्या सोच रही होगी? स्पेंडिंग को इंक्रीज करना है या डिक्रीज? इंक्रीज. और टैक्सेस को? टैक्सेस को डिक्रीज पक्का. चलो आगे पढ़ो. की टूल्स: गवर्नमेंट कैन एडजस्ट फिस्कल पॉलिसी बाय चेंजिंग टैक्स रेट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेवल एंड द बजट डेफिसिट और सरप्लस. एग्जाम्पल पढ़ना: ड्यूरिंग रेसेशन गवर्नमेंट माइट इंक्रीज स्पेंडिंग और रिड्यूस टैक्सेस टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी. कोविड के टाइम की बात कर दी, कोविड के टाइम पे टैक्सेस कम किए गए थे. मैंने क्वेश्चन पूछा क्या, तुम बता रहे हो क्या? मैं कह रहा हूँ कोविड के टाइम पे टैक्सेस कम किए गए थे, ट्रू और फॉल्स? कह रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आसमान का कलर नीला है, कह रहा मेरे पास पीली गाड़ी, तो बनी कोई बात ये? तुम टैक्सेस का बताओ, कोविड के टाइम पे टैक्सेस रिड्यूस किए गए थे, ट्रू और फॉल्स? किए गए थे कम? हमारी गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, उन्होंने कहा सुनो टैक्सेस डिक्रीज नहीं करेंगे, तुम्हारी पेमेंट की लाइबिलिटी आज के लिए हटा देते हैं, वो जो टीडीएस जमा कराना पड़ता है तो अभी के बाद थोड़ा बाद में करा देना, देते हैं पैसे पूरे ही लिए उन्होंने. उन्होंने कहा ठीक है अभी नहीं, थोड़ा सा बाद में. और कुछ टाइम के बाद ऐसा कर दिया कि हाँ, उसके बाद उन्होंने रिटर्न फाइलिंग की डेट एक्सटेंड कर दी, रिटर्न फाइलिंग की डेट एक्सटेंड कर दी. क्यों किया? क्योंकि जब रिटर्न फाइल होता है तब टैक्स उसी समय भरना पड़ता है. तो उन्होंने कहा कि यार वैसे भी हमारे देश में बहुत सारे लोग तो सीए साहब के ऑफिस में जाते हैं, तो कुछ उसको जाके हिसाब किताब दिखाते हैं अपना, दे के आते हैं, उसके बाद वो टैक्स वगैरह बनाता है, फिर चीजें होती हैं, फिर कुछ सीए जाके फिजिकली भी ऑडिट्स करते हैं, ठीक है ना, तो वो भी हर्ट हो रहा होगा. और जो सबसे बड़ा मोटिव था वो क्या था कि यार अभी पैसे की कमी लग रही है, अभी टैक्सेस वगैरह के लिए कहाँ परेशान करेंगे, तो लेने तो हैं ये, देखो टैक्स तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन एक काम करते हैं अभी नहीं लेके थोड़ा सा समय बाद ले लेंगे, तो डेट एक्सटेंड कर दें, ठीक है ना. हाँ बिल्कुल सही बात है. वो कोविड के टाइम पे इंटरेस्ट माफ हो गया था क्या? नहीं, उन्होंने कहा क्या, इंटरेस्ट मत देना, जोड़ रहे हैं, लिख रहे हैं तुम्हारे खाते में, देना बाद में, इंटरेस्ट माफ नहीं किया था बैंक से, ठीक है. बट वापस आते हैं, चलो. ऑब्जेक्टिव: फिस्कल पॉलिसी एम्स टू अचीव अ वैरायटी ऑफ गोल्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. इट कैन ऑल्सो बी, इसके आगे छोड़ दो. यहाँ पे क्या मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था मॉनेटरी पॉलिसी में? इन्फ्लेशन. यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव है? यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव है? इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब आउटपुट को इम्पैक्ट करने का ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे स्ट्रेट अवे. ये पढ़ो, मेरे ख्याल से ये है सबसे ज्यादा चीज रिलेवेंट. रीड दिस पार्ट. मॉनेटरी पॉलिसी कौन इम्पैक्ट कर रहा है? सेंट्रल बैंक. फिस्कल पॉलिसी कौन इम्पैक्ट कर रहा है? गवर्नमेंट. टूल्स, ये इसका तो डिस्कशन हो गया. आगे देखो स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी. अच्छा, बिफोर वी रीड स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अगर लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा ही देना है तो टैक्स ही कम कर लो ना. सिर्फ देखना, अब पढ़ो स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी. मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट्स कैन बी इंप्लीमेंटेड रिलेटिवली क्विकली एज सेंट्रल बैंक्स कैन चेंज इंटरेस्ट रेट प्रॉम्प्टली. फिस्कल पॉलिसी चेंजेस टेक्स मोर टाइम. हाँ या ना? इंटरेस्ट रेट कम करेंगे ज्यादा करेंगे, शक्तिकांता दास साहब जाके पार्लियामेंट में लड़ते थोड़ी ना, कर देते हैं जाके. क्यों? क्योंकि कहने को ऑटोनॉमस बॉडी. सर कहने को क्या क्या मतलब है? मतलब इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी ना, इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी सर. उसमें भी गवर्नमेंट का इम्पैक्ट होता होगा, होता होगा तो होता होगा, मैं नहीं जानता कुछ भी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कहने को तो यही है. अब क्या होता होगा रियालिटी में उसको छोड़ो. एट द एंड ऑफ द डे आपको पार्लियामेंट में जाके ये ओके नहीं कराना है कि मैं इंटरेस्ट रेट कम करूं या बढ़ाऊं, वो आपको डायरेक्टली कम कर देना है. दूसरी चीज, इसका इम्पैक्ट पीपल एट, मतलब एक तो हो गया डिसीजन मेकिंग में कम समय लगा, दूसरा इसका जो इम्पैक्ट है वो भी लोगों को राइट अवे मिलना शुरू हो रहा है. कल पॉलिसी, कल गवर्नमेंट रेट्स को इम्पैक्ट कर, कल आरबीआई रेट्स को इम्पैक्ट कर दे,
एचडीएफसी और दूसरे जो बैंक्स हैं उनमें वो रेट तुरंत मतलब राइट अवे इट विल बी इन द इम्प्लीमेंटेशन फेज. यू कैन गो एंड व्हाट यू कॉल टेक लोन्स अकॉर्डिंगली, डिपॉजिट मनी अकॉर्डिंगली, यस नो. लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है जी हम अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करते हैं, तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कैसे इंक्रीज करेगा? मार्केट को किक स्टार्ट देना है, इकोनॉमी को किक स्टार्ट करना है वापस. हैंड ब्रेक खिंच गया या अचानक ऐसा समझ लो ठंड की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, 2 महीने से बंद पड़ी है, इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? इसको वो कुछ शॉक देना पड़ेगा ना. बुलाया होगा कभी वो बैटरी को स्टार्ट करने के लिए वो किसी वो क्या बोलते हैं मैकेनिक, वो अपनी कार लेके आता है, एक वायर अपनी कार से यहाँ पे कनेक्ट करता है, उसके बाद आपको वो गर्म मतलब एक बार को चालू करके दे देता है, स्पार्क ला देता है उसमें, बोलता है फिर जाओ इसको चला के आ जाओ 15 मिनट. व्हाट 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 आर दे ट्राइंग टू डू? या कोई मूवी का सीन देखा होगा, वो दिखाते हैं वो लाइन स्ट्रेट हो जाती है, वो कुछ ऐसा लेके आते हैं हाथ में शॉक देने के लिए, ठीक है ना. दे टाइम ट्राइंग टू टर्बो चार्ज समथिंग ना. अब अगर गवर्नमेंट टर्बो चार्ज करना चाह रही है, बोल रही है ठीक है जी मैं इस मार्केट में स्पेंडिंग करूंगी, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग किस तरीके से करेगी? बोलेगी ठीक है हाईवेज बनवाते हैं, कैपिटल स्पेंडिंग करेंगे ना, हाईवेज बनवाते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, है ना. अपने एक्सपेंसेस भी इंक्रीज करेगी, अपने इन्वेस्टमेंट्स और अपने एक्सपेंसेस दोनों इंक्रीज कर देगी गवर्नमेंट. क्या करेगी? बोलेगी हाँ मैं जॉब्स निकालती हूँ, रेलवे में निकाल दिए 10,000 जॉब, हाईवे बनवाएंगे, बोले हाँ यहाँ से 10,000 किलोमीटर के हाईवे बनाएंगे, तो ठीक है मार्केट में पैसा आ जाएगा. लेकिन ये हाईवे आज बोला कल बन जाएगा क्या? नहीं, ये बनने में लगेगा 2 साल, तो धीरे 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 ट्रिकल डाउन में होगा वो इम्पैक्ट. बोले हाँ जॉब्स निकालेंगे, तो जॉब्स निकालने से क्या होगा? आज अनाउंसमेंट होगा, फिर एग्जाम होंगे, फिर रिजल्ट होंगे, फिर भर्तियां होंगी, इट विल टेक 6 मंथ्स 1 ईयर, एंड देन इवन वेन समवन गेट्स ऑन अ जॉब, तो उसको एक बार में उसके अगले 10 साल की सैलरी थोड़ी ना दे रहे, क्या होने वाला है बताइए? ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट है, धीरे 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 सैलरी जा रही है किसी पर्सन के पास. यस नो है ना. तो उसका जो इम्पैक्ट है उसकी जो स्पीड क्या होगी, दैट इम्पैक्ट कैन बी डन इन द मार्केट बट द स्पीड विल बी वेरी स्लो. हाँ या ना, मॉनेटरी पॉलिसी की जो स्पीड है वो फास्ट है, ठीक है जी. दिस वॉज द बेसिक एंड ब्रॉड आइडिया ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी. आइए फर्स्ट एलओएस देखते हैं. फर्स्ट एलओएस इज सेंट्रल बैंक फंक्शंस. देखना, मनी सप्लाई के सोल सप्लायर हैं, मनी के सोल सप्लायर हैं, ठीक है. आपकी बुक्स में दो टर्म यूज किए हुए हैं, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड फिएट मनी, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड लीगल टेंडर. डीमोनेटाइजेशन के बाद ये वर्ड तो सभी समझ गए क्या होता है ना. आज शाम में 8 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे. व्हाट इज लीगल टेंडर? नहीं, लीगल टेंडर इसका क्या मीनिंग है? हाँ, अभी के लिए ऐसा है कि अगर मान लीजिए आप किसी दुकान में जाए, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने 2 समोसे लिए, 30 रुपये उनका बिल बना, आप 30 रुपये के लिए अगर 3 10 के सिक्के दे दें, दैट माइट बी इनकन्वीनियंट फॉर द पर्पज फॉर द पर्सन हु हैज एक्सेप्टेड दैट, बट विल ही स्टिल बी फोर्स टू एक्सेप्ट इट? द आंसर इज येस. वॉट माइट, या 50 रुपये का आपका बिल बना, वॉट माइट बी मोर कन्वीनियंट फॉर हिम इज आप उसे 50 रुपी नोट पकड़ा दें. वॉट माइट बी इनकन्वीनियंट इज आप उसे 10 रुपये के 5 नोट दे दें. वर्स, आप उसे बोले 10 के 5 सिक्के पकड़, तो वो मना कर सकता है क्या? तो नो, ही कैन नॉट से नो. क्यों? बिकॉज यू विल से दैट बॉस दिस लीगल टेंडर, मेरे पास यही है, तेरे को लेना है तो ले, सर वो पेटीएम कर दो, तू ज्ञान मत दे, ये मेरे इसमें क्या दिक्कत आ रही है तेरे, ठीक है ना. 42 रुपए की चीज ली होती, 47 रुपए की चीज ली होती, बोलते नहीं चेंज नहीं है, दिस दैट. आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट डिस्कशन. वॉट आई एम ट्राइंग टू से दैट लीगल टेंडर मीन्स no one in the market can legally say that okay I'll not accept this money. आप क्या ऐसा कर सकते हो that
यू गो आउट देयर, हैव समथिंग, पिक आउट अ डॉलर फ्रॉम योर पॉकेट और एक डॉलर आपने पकड़ा दिया, मान लो 80 रुपए का मोटे मोटे डॉलर, 83 पॉइंट समथिंग, 84 वॉट एवर, मान लो 80 का डॉलर, आप एक रेस्टोरेंट में गए, वहां पे 80 रुपए का बिल बना, आपने जेब से निकाल के एक डॉलर दे दिया, एक यूएसडी दे दिया, वो लेगा या नहीं लेगा? ही कैन, बट देन ही हैज द राइट टू से नो आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस, है ना? बंदा अगर सोफिस्टिकेटेड है, उसको लग रहा है हाँ यार मेरे भी घर से बाहर बार जाते रहते हैं, कुछ नहीं होता, जो दे रहा है ले ले यार, क्या जा रहा है, ले लेगा डॉलर। बट इफ लेट्स से आप नीचे पान वाले के पास गए, रिक्शे वाले के पास गए, राजमा चावल लिया 80 रुपए का, ठीक है, यू गो आउट देयर एंड गिव हिम अ डॉलर, यू से ओके बॉस हैज अ डॉलर, कैन ही से अ नो लीगली? यस ही कैन से अ नो लीगली, व्हाई? बिकॉज दैट इज नॉट लीगल टेंडर इन दिस कंट्री। देने को तो आप कुछ भी रखवा के आ सकते हो ना, बट अदर थिंग्स आर नॉट लीगल टेंडर, दैट मनी इज लीगल टेंडर। देन एक वर्ड यूज किया गया आपकी बुक्स में जिसका नाम है फिएट मनी। सुनिएगा ये किस तरीके से ये डिस्कशन आ रहा है आपके बुक्स में, वैसा बात करते हैं। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस की बात हो रही है, तो व्हाट योर सीबो इज सेइंग इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो स्टैंड पॉइंट है, जो इनका बैकग्राउंड है, वो यूएस रिजर्व, वो यूएस सेंट्रल बैंक है, ठीक है ना? दे टॉक अबाउट द फैक्ट दैट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज कंपल्सरी फॉर द रिजर्व बैंक टू प्रिंट नोट्स बाय बैकिंग अप विथ गोल्ड। मतलब जितने का नोट छाप रहे हो उतने का गोल्ड होना चाहिए आपके पास, अदरवाइज आप ठक 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 छापते जाओगे, ठीक है? दैट गोल्ड रिक्वायरमेंट डजेंट एग्जिस्ट एनी मोर, बट द पावर ऑफ प्रिंटिंग द मनी स्टिल एग्जिस्ट। द मनी दैट कैन बी प्रिंटेड विदाउट इट बींग बैग्ड बाय गोल्ड और बाय सम अदर टेंजिबल एसेट इज कॉल्ड एज फिएट मनी। लिखेंगे इसको, प्रिंटेड मनी नॉट बैक्ड बाय गोल्ड ऑब्लिक अदर टेंजिबल एसेट। सर अब फिर छापते कैसे हैं? अभी मतलब दिस टू इकोनॉमिक्स वाला डिस्कशन, नॉट इन आर परव्यू, वी मे जस्ट अवॉइड इट। ठीक है जी, द नेक्स्ट इज इट इज बैंकर टू गवर्नमेंट एंड अदर बैंक्स। यहां पे एक वर्ड यूज किया गया, बैंकर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका क्या मीनिंग है? ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बैंकर टू गवर्नमेंट एंड बैंकर टू अदर बैंक्स, ये तो बात कर ही चुके हैं हम। सेंट्रल बैंक का काम है ना, अभी वो पिछला वो बनाया था ना, ये आरबीआई जो है वो एचडीएफसी को पैसा दे रही थी, हाँ या ना, है ना? तो ये एचडीएफसी का बैंकर है वो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंकर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लास्ट रिजॉर्ट? आखिरी चारा, है ना? अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि इफ लेट्स से देर इज अ डायर नीड ऑफ फंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स, हु विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग? द रिजर्व बैंक, द रिजर्व बैंक। अगर आप वैसे भी एग्जाम्पल देखो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो देखो आप, देर आर बैंक्स विच शुड हैव गॉन बैंकरप्ट, बट द गवर्नमेंट हैज मेड श्योर दैट समहाउ दे स्टिल प्रिवेल। पीएमसी, येस बैंक, इनमें क्या हुआ? गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके आरबीआई को अंदर लेके, एंड देन समहाउ मेड श्योर दैट ओके दीज बैंक्स आर नॉट जस्ट गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स कराए, मैनेजमेंट भेजा, दिस दैट व्हाटएवर। यहां पे उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है कि यस व्हेनेवर द फंड्स रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट इट विल बी सप्लाइड बाय द रिजर्व बैंक। आगे चले, नेक्स्ट है रेगुलेटर है ये। रेगुलेटर मीनिंग
यू विल ओवरसी द स्टैंडर्ड्स पब्लिक लॉज. यस नो. मीनिंग क्या है? जैसे रिजर्व रिक्वायरमेंट्स सेट करेगा ये खुद ही. दूसरा क्या है? मैनेज पेमेंट्स. अभी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा हूं सिर्फ, आप लोग उससे रिलेट कर पाए इसलिए. यस नो. इनफैक्ट हाउ कैन आई फॉरगेट दिस. और क्या फंक्शन है? फॉरेक्स रिजर्व्स वगैरह को मैप करना. वो जब भी 1992 की पॉलिसी की बात आती है तो उस टाइम ध्यान है ना, 1992 लिबरलाइजेशन, मनमोहन सिंह साहब फाइनेंस मिनिस्टर, पीवी नरसिम्हा राव साहब प्राइम मिनिस्टर, द बजट दैट सेव्ड दिस कंट्री. ठीक है, मतलब आई अगेन आई नॉट गो इन टू द पॉलिटिक्स पार्ट ऑफ इट. No reason to comment for, but again, arguably the budget that saved this country, है ना? उस समय क्या बात की जाती है कि हमारे forex reserve क्या 3 दिन 10 दिन ऐसा कुछ बोलते हैं, 10 days 7 days 3 days ऐसा कुछ टाइम के रह गए थे, कुछ ऐसी वैसी बात की जाती है. एंड देन टूडे इट इज एट एन ऑल टाइम हाई ऑफ दिस एंड दैट एंड वॉट नॉट. ठीक है ना? तो ये सब कौन मैनेज कर रहा है? अगेन आरबीआई. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना. ठीक है, एक बार बुक दिखाओ. देखना मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है. कंट्रोल इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन से कौन सी कॉस्ट आती है वो देखना. आपके सिलेबस में ना एक टॉपिक होता था एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन और अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन वाला, वो हटा दिया इन्होंने. उस समय बहुत लॉजिकली मैं डिस्कस करता था, अब वो उतना ज्यादा उस तरीके से डिस्कस नहीं कर सकता, बट ठीक है. You will still understand what I'm trying to say. अगर inflation unexpected है, unexpectedly high है, high inflation, unexpectedly लिख देता हूं, चलिए, तो उसकी वजह से कौन सी cost आएंगी एक बार वो देखना. There is a cost called menu cost. And then there is a cost called shoe leather cost. अरे क्या तो नाम भी नहीं सुना. ऐसा है, आप मैंने शायद पहले भी बोला, CFA Institute को ना नाम बड़े पसंद है. फाइनेंस के डोमेन का सबसे बड़ा दर्द है शायद ये. आप सोचो, मैं भी आपसे जब कोई कॉन्सेप्ट पूछता हूँ तो जनरली ना आप थोड़े जार्गन्स थ्रो करने लगते हो मेरे तरफ. भी कोई डिस्कशन स्टार्ट हुआ, रेपो रेट, रिजर्व, IRR, XIRR, सब फैंसी फैंसी नाम चालू हो जाते हैं. ये कहां से आ रहा होगा? दिक्कतें कहां से आई होंगी आपके पास? बुक्स से. बुक्स में दिक्कतें कहां से आएंगी? कुछ बॉडीज से. उन्होंने दिक्कतें जान के प्लांट किए क्यों? अगर चीजों को सरल भाषा में बोला जाएगा तो सबको समझ आने लगेगी. तकलीफ है, नहीं आनी चाहिए. आप ऐसे टर्म्स का यूज करो कि जिनको ये नहीं पता उनको लगना चाहिए कि कुछ कमी है हमारे अंदर, हम गधे हैं.
these folks are more intelligent. That's why they use such term. नहीं ऐसा. They, the intention is always to have very sophisticated terms in order to describe a very simple concept. If you're using very sophisticated terms to describe a very simple concept, you're a ninja and it is appreciated. तो CFA Institute क्या कहता है कि यार उसने ऐसे भर भर के हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर में ऐसे वर्ड्स डाल रखे हैं. कह रहे हैं आपको वर्ड पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए. बट मेरा ये मानना है आप पहले इजी चीज समझ लो, सब समझ आ जाना चाहिए, बाद में बताते हैं हाँ इसको ये बोल रहे हैं, ठीक, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऐसे ही घुमाते हैं, ठीक है. तो दो और वर्ड्स देखना, मेन्यू कॉस्ट एंड शू लेदर कॉस्ट. अभी वर्ड्स आ कहां से रहे उसकी बात करते हैं. अगर मार्केट में अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है, मान लो हम 1950s में रह रहे हैं, 1930s में रह रहे हैं, 1960s में रह रहे हैं, जब बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लोग नहीं थे कमर्शियली, और जब प्राइस में वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा हाई होगी उस टाइम पे. मान लो एक चाय की छोटी सी टपरी है, अगर व्हाट डू यू कॉल, अगर दूध के प्राइस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, आज 10 रुपए लीटर, कल 18 रुपए लीटर, तो क्या वो जो दूध वाला भैया है वो अपने प्राइजेस को रेगुलरली चेंज करता रहेगा? उसके पास ऑप्शन नहीं है ना. वो कह रहे दो तीन ही इनपुट्स है मेरे, दूध, चाय पत्ती और चीनी, ठीक है ना. अब अगर इनमें से किसी के प्राइस में बहुत बड़ा चेंज आएगा तो मैं भी मार्केट्स में उसके हिसाब से मुझे प्राइस चेंज करना पड़ेगा. दूध का प्राइस 10 से बढ़ के 30 हो जाए तो मैं सेम रेट पे थोड़ी ना चाय पिलाऊंगा, या तो मैं क्वांटिटी घटाऊंगा अपनी, या तो प्राइस इंक्रीज करूंगा. जैसे FMCG के प्रोडक्ट्स हैं, FMCG में प्राइस इंक्रीज करना इज नॉट एन ऑप्शन. 1 रुपए की कैंडी जो आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले 1 रुपए की थी, दैट स्टिल रिमेन्स एट 1 रुपी. द क्वांटिटी वुड हैव प्रोबब्ली हाफ. बिस्किट के पैकेट आते हैं छोटे से, पार्ले जी वगैरह के, यू स्टिल फाइंड द प्राइस टैग इज सेम. इनफैक्ट आई वाज लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट, आई जनरली डोंट से दिस, बट देर आर अ फ्यू यूट्यूब चैनल्स विच आई रियली थिंक आर वेरी गुड इवन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज. कॉन्टेंट देखना तो वैसा कुछ देख लो. There's this guy called Shantanu, that barber, razor shop or whatever that guy is. Bombay Shaving Company ka jo head hai. He's an ex-McKenzie, bahut sahi logon ko bulata hai aur uske yaar discussion bhi bahut sahi karta hai. I have this bad habit of listening to such things while I'm traveling. Main car chala raha hu, piche hi chal raha hai. Wo dhande ki bhi cheez ja rahi hai andar. Sounds nervous but mujhe achha hi wahi lagta hai. Gaana sunke to kuch ke kaha nahi rahi mujhe. Ya to ye chalega ya to I'll be listening to something spiritual. I was listening to this podcast and he mentioned a very insightful thing. He said 40% of the revenue of Britannia company, pure company level ka 40% revenue comes from 10 rupay ka gudde wala packet. Now, is company ke liye revenue increase karna kitna simple hai. Ki 10 rupay ka jo biscuit hai, agar usko 11 rupay kar de, to revenue mein seedha bump up aa raha hai. But it is practically impossible. He said this in the podcast as well. He said every new CEO comes, he said, मैं करके दिखाऊंगा, कर कोई नहीं पाते. And rightly so, कहां से कर पाएंगे? ठीक है ना? Menu cost क्या बोल रहा है? It says that if there is unexpected inflation, then just imagine a restaurant, उनको हर दूसरे दिन पर अपने prices change करने पड़ेंगे. What is the menu cost? Menu cost is the cost of business to constantly having to change their prices. Unko menu ko bar bar redo karna padega. That is the menu cost. ठीक है, सुनने के लिए ऐसा, मतलब ये मान लो कि आप किसी कैफे में गए और वहां पे पीछे उन्होंने बोर्ड पे प्राइजेस लगा के रखे हुए हैं, या फिर आपको कोई मेन्यू मिला उसपे बोर्ड, उसपे प्राइजेस प्रिंट है. अगर डेली की डेली प्राइस चेंज हो तो उनको काट के ठीक करना पड़ेगा, फिर बाद में नया मेन्यू लेके आना पड़ेगा. दैट इज व्हाट मेन्यू कॉस्ट इज, द कॉस्ट टू चेंज द टू द कॉस्ट ऑफ बिजनेस टू कॉन्स्टेंटली चेंज देयर प्राइसेस. कॉस्ट ऑफ चेंजिंग द मेन्यू, लिटरली दैट इज व्हाट इट मीन्स. अब सुन के क्या लगता है कि मेन्यू चेंज करने की क्या कॉस्ट है? प्रैक्टिकली व्हाट इट इज ट्राइंग टू से दैट मेन्यू की कॉस्ट में सारा का सारा
इनकन्वीनियंस आ गया जो कि प्राइस चेंज की वजह से आता होगा, हाँ या ना? आपको पता नहीं आप चाय पीने के जाओगे कितने की चाय निकलेगी, पूछना पड़ेगा हर बार आज कितने की है, औकात में तो पीते हैं, नहीं है तो छोड़ देते, हाँ या ना? है ना सही चीज? तो प्रैक्टिकली मेन्यू कॉस्ट वो बोलने के लिए वैसा टर्म लेके आ रहे हैं, इट्स अगेन दैट लिंगो, इट्स अगेन दैट जार्गन कि मेन्यू कॉस्ट मतलब वो इनकन्वीनियंस की डेली प्राइसेस चेंज होते रहे और यू डोंट नो द प्राइस ऑफ द फाइनल आउटपुट, दैट इज व्हाट मेन्यू कॉस्ट इज. नेक्स्ट इज शू लेदर कॉस्ट. योर बुक्स से दैट द कॉस्ट द शू लेदर कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ मेकिंग frequent trips to the bank so as to minimize their holdings of cash that are depreciating in value due to inflation. क्या बोलना चाह रहे हैं सुनना, shoe leather cost क्या है? अगर inflation बहुत ज्यादा high है तो इसका क्या मतलब है, money की power decrease हो रही है? Yes, no. If I was earning the same income 5 years back and today as well, my income is more or less same. Then in real terms, I've definitely lost. 5 साल पहले चीजों की cost और आज की चीजों की cost में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है. अगर मेरी इनकम सेम है तो मैं 5 साल पीछे के बनिस्बत आज गरीब हूं. Yes, no. If you want to counter inflation, the best way to do it would be to generate returns on your income which are higher than your inflation. Yes, no. है ना? मान लो मार्केट में एक पोर्टफोलियो मैनेजर है, एंड ही इज लेट्स से एज गुड एज वॉरेन बफे, जो स्टॉक उठाता है वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ही किल्स इट इन द मार्केट, बट इसका जो इक्विटी में एक्सपोजर है वो 70% है, बॉन्ड्स में जो एक्सपोजर है वो 5% है, ऑल्टरनेटिव में जो एक्सपोजर है वो 5% है, और कैश जो है वो 20% है. इसमें सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है कि उसके पास 20% का कैश पड़ा हुआ है. क्या कैश रिटर्न जनरेट कर रहा है? नहीं. अगर कैश रिटर्न नहीं जनरेट कर रहा तो आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए? ये बहुत ज्यादा लो होना चाहिए, ये शायद 1% 0.5% के आसपास होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट. 0.5 बोलो, 1 भी मत बोलो, 0.5% या कुछ ऐसा होना चाहिए. कितना होना चाहिए ये? जो भी फंड मैनेजर हो उसको ये देखना चाहिए कि मैं अगले 1 साल के एक्सपेंसेस जितने मैनेज कर लूंगा उतना कैश होल्ड के चल करके चल लूं, हाँ या ना? बाकी सब इन्वेस्टेड रखना चाहिए आइडियली. एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल ठीक बात है भाई. अगर नहीं भी समझ आ रहा कहाँ पार्क करना है तो एटलीस्ट ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दो जो इन्फ्लेशन के साथ साथ थोड़ा सा 1-2% का एक्स्ट्रा रिटर्न दे दे. सही कह रहा हूँ ना मैं? अगर मार्केट में रिस्क बहुत बढ़ गई है, रिसेशन आ रहा है मार्केट में, तो इक्विटी को कम कर दो, इसको लेट्स से 30 पे पहुंचा दो और 45% बॉन्ड्स में रख लो, यही होगा ना. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कैश होल्ड करना नहीं है, कैश होल्ड करना गलत है. ठीक बात है या नहीं? मान लो इन्फ्लेशन था 6%, आपने थोड़ा सा कैश होल्ड करके रखा हुआ था, इन्फ्लेशन मैनेजेबल था, आपने कैश होल्ड करके रखा हुआ था थोड़ा बैंक में. आई एम टॉकिंग अबाउट 1960s बिकॉज दैट्स व्हेन दिस टर्म वाज कॉइन्ड. 5% इन्फ्लेशन के हिसाब से आपने थोड़ा सा पोर्शन कैश में रखा हुआ था, इन्फ्लेशन राइज हो गया 9 हो गए, अब आपका दिल क्या करेगा कि कैश होल्ड करूं या ना करूं? ना करूं, है ना? इन्फ्लेशन इज राइजिंग, आई शुड होल्ड लेस कैश. इफ आई शुड होल्ड लेस कैश, हाउ विल आई डू इट? आई गो टू द बैंक एंड टेक माई कैश बैक, इन्वेस्ट इट इन सम अदर इंस्ट्रूमेंट. तो बोल क्या रहे हैं लॉन्ग टर्म, मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं कि आपके बैंक के चक्कर बहुत लगेंगे अगर इन्फ्लेशन जबरदस्ती में हाई है. अगर डेली की डेली इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है तो आप धीरे धीरे, मतलब आप डेली की डेली बैंक जाके और अपना पैसा विड्रॉ करके लाते रहेंगे और उसको किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में लगाते जाएंगे. आप बोलेंगे ठीक है मैं और कम रखूंगा बैंक में सेफली, लेट मी इन्वेस्ट इट इन व्हाट यू कॉल बॉन्ड्स, लेट मी इन्वेस्ट इट इन रियल एस्टेट, लेट मी इन्वेस्ट इट इन क्रिप्टो. तो आप बार बार बैंक जाएंगे, आपकी बैंक की बहुत ज्यादा ट्रिप लगेंगी,
वो शू लेदर कॉस्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है जैसे हिंदी में वो कहावत है ना, तलवों से तेल निकल आएगा, है ना, चप्पल घिस गई आके आके, जूते घिस गए आके, ये कहावत है ना, ये वो बोल रहा है कि तुम अपने जूते घिसवाओगे बैंक में जा जाके। इन टूडेज टर्म्स व्हाट इज इट ट्राइंग टू से, इट इज ट्राइंग टू से कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी, दैट्स इट। आज की डेट में आपको पैसे की जरूरत हो बैंक थोड़ी ना जाते हो, आपको पैसे इन्वेस्ट करने हो, पैसे डीमैट फॉर्म में लग रहे हैं, आप क्या करते हो उसका, बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट को लिंक करते हो, ट्रांजेक्शन कर देते हो। बट जब भी आप जीरोधा में पैसे ऐड करोगे बैंक के पोर्टल, सॉरी जीरोधा के पोर्टल से ऐड मनी का ऑप्शन अवेल करके पैसे ऐड करोगे, तो देर विल बी 50 रुपीज या 20 रुपीज ऐसा कुछ कट के आता है अकाउंट में। देर इज नॉट शू लेदर कॉस्ट इज जस्ट जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। ठीक है जी, दिस वॉज वन पीस ऑफ इट, दिस वॉज द फंक्शंस ऑफ, दिस वॉज द रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेंट्रल बैंक। जो कॉस्ट इन्वॉल्व थी हमने वो देख ली है, दिस इज दिस फर्स्ट पार्ट। चलो आगे मूव करते हैं, एक सेकेंड पार्ट है इसी एलओएस का, वो ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज व्हाट, मैनेज इन्फ्लेशन, दिस इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। एडिशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या है, मैक्सिमाइज एम्प्लॉयमेंट, वो जो ऊपर लिखा हुआ था ना, मैंने कहा था अभी इसको मत रीड करो, यस मैक्सिमाइज एम्प्लॉयमेंट, इम्पैक्टिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड व्हाट नॉट। अगर मैं मैनेजिंग इन्फ्लेशन की बात करूं तो यहां पे बोलना क्या चाह रहे हैं, द टारगेट इज टू हैव प्राइस स्टेबिलिटी। मैं बाय द वे आपको एक चीज बता दूं, जो मैं पर्सनली जो खुद नोट्स बनाता हूं हमेशा, वो इसी फॉर्मेट में होते हैं, मुझे ना लंबी लंबी लाइंस पढ़ने और सुनने में समझने में बहुत दिक्कत है, तो जो मेरे नोट्स होते हैं वो हमेशा इसी फॉर्मेट में रहते हैं। आई लाइक टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट मैं जो जो मार्जिन अवेलेबल रहते हैं ना आपकी बुक्स में लेफ्ट राइट में, उतने मैं इसी तरीके से लिखते रहता हूँ चीजें कि बस ठीक है वो ऊपर ऊपर से मुझे समझ आता जाए, एंड जो भी चीज इससे रिलेटेड होगी मैं उसे हाईलाइट कर देता हूँ बुक्स में, उस पर हाईलाइटर चला दूंगा, वो ग्रीन कलर ब्लू कलर दिस दैट, और उसे यहां से ऐसे एरो निकाल के लिख दूंगा। मतलब व्हाट आई वांट इज कि मैं बहुत लंबी लंबी लाइंस ना पढ़ूं, और ये करने दूसरी चीज क्या है, एक तो ये एडवांटेज है लंबी लाइन नहीं पढ़ने से कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा बेटर रहता है, दूसरी चीज ये है व्हेनेवर यू आर स्टडिंग समथिंग इन दिस मैनर तो आपकी विजुअल मेमोरी में बहुत सारी चीजें अटैच हो जाती है, आपको पता होता है कुछ ऑब्जेक्टिव लिखे थे ऐसे करके दो तीर निकल रहे थे, एक तीर में था दूसरे तीर की चीज याद नहीं आ रही, बट चलो थोड़ी देर प्रोसेस करते हैं ट्राई करते हैं, प्रॉब्ली विल हैव दैट यूरेका मोमेंट, याद आ जाएगा, वो याद आने के चांसेस कम है अगर वो लंबा लंबा पैराग्राफ है तो, पता नहीं क्या था वो, बहुत सारे कीड़े थे एक साथ, बट ओवर हेयर व्हेन यू हैव विंग्स यू रिमेंबर, ओके हाँ ऐसा ऐसा था, मैंने एक को ब्लू हाईलाइट किया था उसके ऊपर एक स्टार बनाया था, नाम नहीं याद आ रहा है, ऑप्शन अगर पढ़ लिए तो नाम भी याद आ जाएगा, ठीक है ना। सो द टारगेट इज टू हैव प्राइस स्टेबिलिटी, के लिए टूल्स क्या यूज करते हैं, थ्री टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्वांटम ऑफ इंपैक्ट,
ये हो सकता है कुछ वर्ड्स आपकी बुक में ना यूज किए होगा, मैं बोल रहा हूँ बस, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट क्या है वो भी यही बात रहे। ऑब्जेक्टिव क्या था? इन्फ्लेशन मैनेज करना। क्या आप इन्फ्लेशन मैनेज कर पाते हो? ये क्वेश्चन। तो केस वन, डेवलप्ड नेशंस। केस टू, डेवलपिंग नेशन। डेवलपिंग नेशन का एग्जाम्पल हम हैं ही पिछले 50 साल से डेवलपिंग, है ना? G5, ठीक है ना? US, जर्मनी, UK। आपकी बुक्स नहीं कहती ना ईमिया और ये सब। जैसे मेरे को और बेटर लगता है ईमिया के बदले मैं लिख देता ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ऐसे क्या था? सऊदी, साउथ अफ्रीका, या साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। इम्पैक्ट क्या होगा? डेवलप्ड नेशंस में द इम्पैक्ट इज देयर, बट डेवलपिंग नेशंस में मॉनेटरी पॉलिसी में बी इन इफेक्टिव। मे बी इन इफेक्टिव। Reasons, government bond market, या तो non-existent होगी या तो not mature। अगर market mature नहीं होगी तो बहुत ज्यादा participants नहीं होंगे, liquidity नहीं आएगी। लिक्विडिटी नहीं आएगी तो क्या होगा? लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, है ना? अब अगेन ऐसे किसी कंट्री पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, बट सोच के देखो बांग्लादेश की भी गवर्नमेंट बॉन्ड की मार्केट तो होगी ना, बट आई एम नॉट श्योर कि कितने पार्टिसिपेंट्स होते होंगे। इंडिया के लिए मुझे डेफिनेटली पता है देयर वेरी डिसेंट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, देयर इज अ वेरी थ्राइविंग डिमांड। बट इफ यू टॉक अबाउट कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, टॉक अबाउट कंट्रीज लाइक श्रीलंका, उनके बॉन्ड्स तो है ही है मार्केट में, बट कितने लोग उसमें ट्रेड करते होंगे ये बहुत क्वेश्चनेबल है। द वॉल्यूम वुड प्रोबेबली बी 1% और 0.1% ऑफ दैट दैट इज देयर इन द इंडियन सेगमेंट। और इंडियन मार्केट का जो वॉल्यूम होगा वो प्रोबेबली यूएस का वैसे ही 5%, 1%, 10% निकलेगा, वो फूल हो। तो अगर आप क्वांटम वाइज देख रहे हो तो यूएस 1000 पे बैठा है, इंडिया शायद 50-100 पे बैठा है, और ये जो कंट्रीज के मैंने नाम लिए बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, ये शायद 0.51 पे बैठे हैं। तो इनमें कोई बॉन्ड मार्केट का सवाल ही नहीं उठ रहा। जब मार्केट ही नहीं है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन सर ये वो होंगे कहां से? दूसरा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। बोलना क्या चाह रहे हैं इसमें? द इंडिपेंडेंस ऑफ रिजर्व बैंक इज क्वेश्चनेबल।
और भी चीजें लिखी हुई है वैसे, वो बोल रहे हैं कि पास परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और ये वो करके एक दो रीजंस और दिए, बट बुक से भी पढ़ने से चल जाएगा, लाइक चेंजिंग इकोनॉमी, बैड ट्रैक रिकॉर्ड, इन मैनेजिंग इन्फ्लेशन, ठीक है ना? ये तो ये रीजंस, मतलब ये तो वही प्रॉब्लम, क्या सॉल्यूशन क्या है? करेंसी को पैक कर दो, इससे हो गया क्या? इससे क्या होगा? आपने एक तरीके से इंपोर्ट कर लिया सारा का सारा इन्फ्लेशन, है ना? वो जब पैगिंग पढ़ाया था तो बोला था ना कि उसमें इन्फ्लेशन इंपोर्ट हो जाएगा, ध्यान है? इन्फ्लेशन इज नाउ, इम्पोर्टेड ठीक है जी, इज इट क्लियर? केस वन, डेवलप्ड नेशंस में क्यों नहीं लिखवाया कुछ भी? क्योंकि तो इसमें तो ये लोग तो मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन कंट्रोल कर ही पा रहे हैं ना, ये तो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर ही ले रहे हैं, ठीक है ना? हमने जो क्लास में डिस्कशन किया वो जो तीन टूल्स का, वो कब किया था? उस केस में जब प्राइसेस डिक्रीज हो गए थे, तो तब तब इन्फ्लेशन बहुत कम होगा, तो इन्फ्लेशन को बढ़ाना चाह रहे थे तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करनी पड़ी थी, येस नो? अच्छा इनफैक्ट इसके आगे की बात करते हैं, कोविड हो गया 3 साल पहले, अब क्या हुआ है? अब क्या हुआ? उस समय नोट वोट छाप दिए, ठीक है, कुल मिला के इन्फ्लेशन अब आ गया। अब इन्फ्लेशन क्यों है? मार्केट में पैसा लोगों के पास ज्यादा है, अब क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में क्या आएगा? इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सेल करूंगा, बाइंग करूंगा, सेल करूंगा, सेल करने से क्या होगा? पैसा चला गया रिजर्व बैंक के पास, मार्केट में पैसा कम, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज, ठीक है ना? तो यहां पे कुल मिला के हमें ये समझ आता है कि इन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन, ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी पीरियड्स, इन्फ्लेशनरी पीरियड्स क्या करना पड़ेगा? ओपन मार्केट ऑपरेशंस में बाइंग, रिजर्व रिक्वायरमेंट हाई, और तीसरा क्या बढ़ाया था? इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट रेट ही बोल लो अभी के लिए इसको, डिस्काउंट रेट भी हाई, ठीक है ना? ये करना पड़ेगा, इंटेंट विल बी इन ओपन मार्केट ऑपरेशन पे सेल, सॉरी सॉरी, द इंटेंट इज टू डिक्रीज द मनी सप्लाई इन मार्केट एंड वाइस वर्सा, दूसरा एंगल नहीं लिखवाऊंगा चलेगा ना? हाँ, इसका ऑपोजिट है, वो सेल में बाय हो जाएगा, ये लो हो जाएगा, ये लो हो जाएगा, ये ऑल्टरनेट व्यू है। सर आपके नोट्स को एग्जाम में पढ़ के चले जाएं और बुक को छोड़ दें,
बुक का कुछ ना देखे चल जाएगा। पास होना चाहते हो तो मत करो ऐसा, बुक को एक बार पढ़ना जरूरी है। सर कौन होगा इस दुनिया में जो कहता है सर मेरे नोट्स पढ़ोगे और फेल हो जाओगे? मैं कह रहा हूं डू मोर एट योर एंड टू पास द एग्जाम। बुक्स को डेफिनेटली देखिए, ठीक है वो मोर और लेस सारा कुछ दोबारा ही है बट स्टिल रिक्वायर्ड। ठीक है जी, दिस इज इट एज फार एज फर्स्ट LOS इज कंसर्न। सेकेंड LOS की पूरी चीज पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ नोट्स के फॉर्मेट में ले लेंगे, ठीक डन हो जाएगा। सुनना, इस वीडियो में मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स की बात करने वाला हूँ। आपके नोट्स के हिसाब से दिस शुड बी द थर्ड पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट वॉज सेंट्रल बैंक फंक्शंस, द सेकेंड पॉइंट वॉज ऑब्जेक्टिव, द थर्ड पॉइंट इज टूल्स। तो आपके पास टूल्स क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड डिस्काउंट रेट। बट बिफोर आई मूव अहेड विद दीज थ्री, मैं इसमें ना एक छोटा सा एडिशन करना चाहता हूँ। मैं पॉइंट थ्री में लिखूंगा टूल्स और इसका 3A कर देता हूं बेसिक्स। यहां पे लिखता हूं अगर इकोनॉमी में रिसेशनरी इन्वायरमेंट चल रहा है, रिसेशनरी इन्वायरमेंट चल रहा है, एग्जाम्पल कोविड, तो आप कैसी मॉनेटरी पॉलिसी बनाना चाहेंगे? एक्सपेंशनरी। ठीक है जी, और अगर यहां पे अगर यहां पे इन्फ्लेशनरी टाइम चल रहा है या फिर बूम पे चल रही है मार्केट, इन्फ्लेशनरी ऑब्लिक बूम, तो आप कैसी पॉलिसी बनाना चाहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्शनरी। ठीक है जी, एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी। ठीक है, अब इनकी वर्किंग कैसे होगी ये देखिएगा। दिस इज 3B। सबसे छोटा वाला सबसे पहले कर लेते हैं, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, मीनिंग अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसके नीचे एरो नहीं डालता, मैं यहां पे पॉइंट नंबर वन लिख देता, व्हाट यू कॉल रिजर्व रिक्वायरमेंट, और उसके नीचे लिखता, बिकॉज मेरे लिए तो बहुत सारा बड़ा यहाँ कैनवास है, मैं तो इधर उधर मूव कर जाऊंगा, आप लोगों के नोट्स गंदे हो जाएंगे। तो आप क्या करिए, आप अलग से रिजर्व रिक्वायरमेंट्स लिखिए पहले और उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, या रिजर्व रिक्वायरमेंट्स पॉइंट नंबर फोर लिख देता हूँ। चलो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, पॉइंट नंबर फोर। ठीक है, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स मीनिंग परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स पहले समझाने के एंगल से लिख रहा हूं। क्या सीखा था हमने रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में कि अगर 5,000 का डिपॉजिट मिला मुझे, 5,000 की FD आई, तो भी 20% अपने पास रखूंगा, 4,80% बांट सकता हूं, तो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज लोन, है ना, दैट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज लोन। परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स टू बी रिटेन्ड। ठीक है जी, एक्सपेंशनरी
और कॉन्ट्रैक्शनरी, इसमें किस तरीके से इंपैक्ट हो रहा होगा? एक्सपेंशनरी पॉलिसी कैसी होगी? रिजर्व रिक्वायरमेंट्स लो और यहां पे हाई, हाँ या ना? यूजेज डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, सुनना एक बार, सुनना, वापस चलते हैं नंबर्स पे। डेवलप्ड कंट्री में क्या बात की थी? अगर मान लो, सॉरी, इसमें रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में क्या बात की थी वो समझिए। हमने ये बोला कि अगर बैंक है, बैंक के पास एफडीआई 5,000 की, तो और 20% की रिजर्व रिक्वायरमेंट है, तो बैंक कितने के लोन बांट देगा? 4,000 के, ठीक है, पक्का। तो ये रिजर्व रिक्वायरमेंट जो आरबीआई रखेगा, उसकी वजह से क्या बैंक की लेंडिंग इंपैक्ट होगी मार्केट में, हाँ या ना? होगी, देखना आपके नोट्स, इसी बुक क्या कह रही है। वो बोल रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज में ना रिजर्व रिक्वायरमेंट भले 20 हो, जो सेंट्रल बैंक है ना वो बोलता है कि मैं 50% ही रिजर्व रखूंगा, मैं 50% रिजर्व रखने वाला हूं। डेवलप्ड कंट्रीज में एम्पिरिकली ये देखा गया कि वहां पे बहुत लोग डिपॉजिट कराने आए, उतना बैंकों ने लोन एनी विच वेज नहीं दिया, बिकॉज बैंक्स हैव टू थिंक ऑफ देयर ओन रिस्क एज वेल ना। सर ये बात नहीं समझ आई, दोबारा बोले। 2008 रियल एस्टेट बबल, सब प्राइम क्राइसिस, लेमन ब्रदर डिफॉल्ट्स, लेमन ब्रदर क्राइसिस, सुना हुआ है ना? इस टाइम पे रियल एस्टेट के प्राइसेस में क्रैश आया था 1995% का भी। तो 100 रुपए की चीज 5 रुपए में मिल रही थी, क्या ये रिसेशनरी एनवायरनमेंट हुआ, हाँ या ना? इससे ज्यादा क्या हुआ? कोविड तो कुछ भी नहीं था, कोविड तो कुछ भी नहीं था, सब ठीक चल रहा था, बस लोगों को खांसी जुकाम हो गए, कीड़े लग गए ना लोगों को, यही हुआ ना? वैसे कुछ थोड़ी हुआ था, स्ट्रक्चरली कोई फॉल्ट थोड़ी हुआ था सिस्टम में, है ना? 2008 में तो स्ट्रक्चरल फॉल्ट हुआ था, 536 इश्यूज निकले थे वहां पे, कि जबरदस्ती क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अच्छी रेटिंग दे रही हैं एक सब प्राइम इंस्ट्रूमेंट को, एक ऐसा प्रोडक्ट जो लेट्स से सी कैटेगरी डिजर्व करता है, उसको ट्रिपल ए दिया जा रहा है, तो ज्यादा इन्वेस्टर आ गए वहां पे। और ये क्यों दिया जा रहा है? बिकॉज वहां पे उसमें इंश्योरेंस बटे हुए, तो इंश्योरेंस कंपनी भी डूबी, यस नो? तो उस टाइम तो स्ट्रक्चरल फॉल्ट हुए थे सिस्टम में, किसी दिन और बात करेंगे 2008 के क्राइसिस की। पहले अगर आप वीडियोस देखोगे तो एक वीडियो में कवर किया हुआ है, ऑल्टरनेटिव में था, 2008 की क्राइसिस का एक वीडियो कवर किया हुआ है। मैं व्हाट आई विल डू इज आई विल नॉट डिस्कस दैट इन द क्लास, उसमें बहुत टाइम चला जाएगा, मैं पुरानी वीडियो पूछ लूंगा जो कैंडिडेट्स ने देखी हुई है उनसे, उसको एडिट करके सिर्फ 2008 की क्राइसिस का एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, डू वॉच दैट। जनरली पीपल हैव लाइक्ड इट अ लॉट, आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव कमेंट्स ऑन इट, आई विल जस्ट शेयर दैट वीडियो इटसेल्फ। 2008 की क्राइसिस में, 2008 की क्राइसिस हिट की, क्या रिसेशनरी एनवायरमेंट आया? हाँ आया। तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया होगा? एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी मतलब वो क्या बोल रहे होंगे कि लोन बांट या लोन मत बांट? लोन बांट मतलब रिजर्व क्या रख, ज्यादा या कम? रिजर्व कम रख, लोन ज्यादा बांट, है ना? अब एक बैंक है गोल्डमैन सैक्स, एक बैंक है क्रेडिट स्विस, ठीक है, पीछे से रिजर्व बैंक कह रहा है कि लोन बांट,
क्रेडिट स्विस कह रहा है मेरी हिम्मत नहीं है, सब तो डूब रहे हैं, तुम्हारी रिजर्व रिक्वायरमेंट है 20, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है मतलब अभी बात लिक्विडिटी, तुम तो लिक्विडिटी रिस्क की वजह से बोल रहे थे कि कितनी रिजर्व रिक्वायरमेंट रखनी है, मुझे मार्केट में क्रेडिट रिस्क दिख रहा है, मैं कल किसी को लोन बांटू, कल ये अगर दिवालिया हो गया तो मैं भी गया इसके साथ, आई डोंट वॉन्ट टू टेक दैट रिस्क, सो आई विल नॉट गिव अ लॉट ऑफ लोन्स इन द मार्केट, ठीक है। अब समझना क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलना यहां पे ये चाह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में रिजर्व रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा इंपैक्ट करना पॉसिबल नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज वहां पे एनी विच वेज बैंक्स जो हैं वो जितना मैंडेटरी रिजर्व है उससे ज्यादा रिजर्व लेके चल रहे हैं, तो इन दीज कंट्रीज दिस मॉनिटरी मतलब दिस टूल विल नॉट बी यूज्ड अ लॉट। तो सर यहाँ पे मॉनिटरी, अभी तो आप कह रहे थे डेवलप्ड कंट्रीज में मॉनिटरी पॉलिसी यूज आ रही है, तो ये वाली नहीं आ रही है ना, बाकी भी तो दो हैं, हाँ या ना, ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्लियर है, ठीक है ना। मैं यहां पे सीधा सीधा चलो 20% रिजर्व रिक्वायरमेंट यहां लिख देता हूं, एफडी 5000 है, लोन अमाउंट कितना हो सकता है, 20% रिजर्व रिक्वायरमेंट, तो लोन हो सकता है मैक्सिमम 4000 का, यस नो, लोन मैक्सिमम 4000 का हो सकता है, बट लोन डिसबर्स्ड इज ओनली से 2500 रुपए, नाउ इवन इफ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स आर इंक्रीज्ड, नो इंपैक्ट ऑन मनी सप्लाई इन मार्केट, हाँ या ना, सही बोल रहा हूं ना मैं कि भाई वो तो पहले ही 2500 रख के बैठा है, वो तो 50% रिक्वायरमेंट करके बैठा है, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स अगर आप इंक्रीज कर दो, इंक्रीज्ड टू लेट से पहले कितना था 20%, अब इसको 25% कर भी दें तो क्या हो जाएगा, कितनी रिजर्व रिक्वायरमेंट चाहिए, 1250 है ना, और लेट से यहां पे लोन को कर दो 3000 रुपए, लोन को कर दिया 3000 रुपए, तो इसने रिजर्व कितने मेंटेन किए हुए, रिजर्व इज इक्वल टू 2K, तो या क्या बोल दोगे आप, बोलोगे मतलब रिजर्व, रिजर्व बैंक बोल रहा है मैंने तुम्हें पहले 1000 रुपए की परमिशन दी थी रिजर्व रखने की, अब मैं चाहता हूं मिनिमम 1250 होना चाहिए तुम्हारे पास, तो आगे से सेंट्रल बैंक क्या बोलेगा, बोलेगा मैं 2000 रख के चल रहा हूं, तो रिजर्व बैंक ने जब ऊपर नीचे किया भी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को, तो उसकी वजह से मॉनिटरी सप्लाई को इंपैक्ट नहीं कर पाए, वो ये बोलना चाह रहा हूं, आर वी गुड टिल दिस पॉइंट, डेवलपिंग कंट्रीज यहां पे लिख लो इफेक्टिव, रिजल्ट क्या हुआ यहां पे हो गए इन इफेक्टिव, अब पूरा का पूरा यहां का इंपैक्ट नहीं बोलता हूं मैं, क्यों ऐसा हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज में, बिकॉज वहां पे लोन लेने वाले लोग बहुत है ना, अच्छा सर ये क्यों फर्क पड़ेगा, ये क्यों फर्क पड़ेगा कि क्यों डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा लोग लोन ले रहे हैं, हाँ वो इकोनॉमी ग्रोइंग है तो वहां पे पोटेंशियल बहुत है ना। अब मान लो आपके मन में ये आए, जैसे आप में से कोई जो बाहर किसी शहर से आता है, सोनीपत या वैसा आते हैं ना एक दो कैंडिडेट्स वगैरह ऐसी जगह होते, मेरठ या जो भी, हाँ मान लो आपको लगे यार इट्स नॉट जस्ट मी हु इज हैविंग दिस प्रॉब्लम ऑफ हैविंग टू ट्रेवल फ्रॉम देयर टिल हियर, व्हाट इफ आई स्टार्ट अ शटल सर्विस, चलती है ना दिल्ली में शटल, डेली सुबह दिल्ली से गुड़गांव जाती है, शाम में गुड़गांव से दिल्ली जाती है, दिस इज द रूट, आप अगर सुबह के टाइम पे गुड़गांव टू दिल्ली की शटल लेना चाहो नहीं मिलती, यू नो दैट राइट, बिकॉज ज्यादातर लोग दिल्ली वाले गुड़गांव जाते हैं नौकरी करने, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो गुड़गांव रहते होंगे नौकरी दिल्ली में करते होंगे, तो रिक्वायरमेंट या डिमांड कहाँ की है कि दिल्ली में रहने की डिमांड है और गुड़गांव में नौकरी करने की डिमांड है, तो लोग कम्यूट करेंगे, यस नो,
आपको ये चीज दिखी कि हाँ यार गुड़गांव से दिल्ली की सवारी बहुत मिल जाएगी, तो कुल मिला के आपने क्या बोला, वाई नॉट फाइंड अ बेटर वे। सब लोग उबर तो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे 600-800 हजार रुपए देना एक साइड का। लेट अस फाइंड अ मोर इंटेलिजेंट वे, व्हाट इफ आई लॉन्च अ बस सर्विस, एसी बस सर्विस, यू कैन सिट, यू कैन एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स ऑफ एन उबर, बट इट विल बी अ ऑन अ को शेयरिंग बेसिस। तो ठीक है आपको समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, बट देन द कॉस्ट विल बी रिलेटिवली वेरी लेस। 800 रुपए की राइड 150 रुपए में हो रही है। यस इट 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 साउंड्स लाइक अ गुड प्रपोजिशन, मुझे रेगुलरली आना, आई वुड लव टू टेक इट। आपको यही रिक्वायरमेंट लगे यार मेरठ से यहाँ, सोनीपत से यहाँ की भी होनी चाहिए, व्हाट विल यू से, यू डोंट हैव एनी मनी, व्हाट विल यू डू, यू विल ट्राई टू टेक सम लोन एंड एटलीस्ट बूटस्ट्रैप फॉर वंस। अब सीधा जाके बोलोगे इक्विटी बेचता हूँ, कोई नहीं खरीद रहा, क्योंकि आप बोलने के लिए स्टार्टअप को चला तो बस ही रहे। सही कह रहा हूँ ना मैं, वो कितना भी अच्छे से उसको साथ सज्जा से बोलता है मैं स्टार्टअप इन लॉजिस्टिक्स पे, बस चलाता है। कितनी बस लगी हुई है तेरी, कुल मिला के तो यही मुद्दा है। हाँ भाई दो बस लगा रखी है, 40 सवारी एक में, 80 लोग एक साइड के लेके जाता हूँ, रेवेन्यू क्या बनता है, 80 × 100 एक सवारी का, एक दिन का, दो साइड के चक्कर कर लो मल्टीप्लाई, इससे बन जाएगा इनकम स्टेटमेंट। सही कह रहा हूँ ना मैं, आप बैंक के पास जाओगे, बैंक ने आपको व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बैंक दिस इज द अपॉर्चुनिटी दैट इज एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी दैट द कनेक्टिविटी ऑफ सोनीपत टू दिल्ली और सोनीपत टू गुड़गांव इज नॉट ग्रेट, तो देर इज अ थिंग विच इज नॉट येट डेवलप्ड ओवर इट। तो आप क्या बोल रहे हो, इसको डेवलप किया जा सकता है, कैसे करूं, बैंक से लोन ले लेता हूँ 6% पे ब्याज, 8%, 9%, 10% पे उनसे ले लेता हूँ, मेरा 20% का रिटर्न आएगा, बैंक को देने के बाद भी मेरे पास प्रॉफिट बचेगा। यस नो यस, जापान में प्रॉब्लम क्या आ रही है यही सेम काम करने में, देयर इज नो स्कोप, द कनेक्टिविटी ऑफ द मेट्रोस और द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज एंड मतलब इंक्लूडिंग ट्राम, बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, ऑल दीज थिंग्स, बसेस, अगर आप ये सबको ज्वाइन कर दो, द कनेक्टिविटी इज सो ब्यूटिफुली डन दैट देयर इज नो स्कोप। आप बोलो मैं यहां से वहां तक कुछ चलाता हूँ, सब बना हुआ है पहले, देयर ऑलरेडी इट इज सॉर्टेड, तो देयर इज नथिंग लेफ्ट टू बी डन। अभी इंडिया में कितने भी अच्छे रोड्स बन गए बट स्टिल 40% 50% ऑफ द कंट्री में ही बने होंगे, 40-50-60% में आज भी ऐसी जगह होंगी जहां पे एक पक्का रोड नहीं है, देयर स्कोप लेफ्ट टू बी डन समथिंग ओवर देयर, बिकॉज देयर स्कोप लेफ्ट देयर इज बिजनेस, क्योंकि धंधा बचा है, तो धंधे का 20% रिटर्न जनरेट करने का पावर बचा है, तो 10% 8% बैंक को दिया जा सकता है, तो इसीलिए बिजनेसमैन डिमांड भी कर रहा है जाके लोन। डेवलप्ड कंट्री में उतना स्कोप ही नहीं बचा है, मतलब आप 2 करोड़ रुपए लोगे, उसके बाद धंधा करोगे, जब सैलरी बांट दोगे, रेंट निकाल दोगे, सारी चीजें कर दोगे, तो जो बचेगा वो ब्याज ही बचा होगा, ब्याज उसको दे दोगे तो आपके लिए कुछ बचेगा नहीं, तो आप बोलोगे क्यों ही स्टार्ट करूं मैं काम, काट पीट के सिर्फ ब्याज ही बचना है और ब्याज दे देना है जेब से, तो धंधा ही क्यों करना है, छोड़ दो। ठीक है जी, तो यहां पे होगा डेवलपिंग कंट्री में डिमांड फॉर लोन इज हाई, डिमांड फॉर लोन्स हाई है, तो यहां लोन ज्यादा दिया गया है, तो यहां पे रिजर्व्स वुड बी इफेक्टिव। ठीक है जी, आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट डिस्काउंट रेट्स कर लेते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस कल करा दूंगा। नेक्स्ट इज डिस्काउंट रेट्स, सुनना, सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे लोन देती है उसके बथेरे सारे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, योर बुक्स गिव द नेम एज, एक सेकेंड देना,
अरे यार छोटी सी चीजें तो रह गई पिछले आने में करानी, बट ठीक है चलो कोई नहीं, कल देख लेंगे। सुनना, आपकी बुक्स ने ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्काउंट रेट ना कह के पॉलिसी रेट कह रही हैं, इसे वो कह रहे हैं पॉलिसी रेट, ठीक है। ये पॉलिसी रेट के ना बहुत सारे नाम हैं, यूएस में इसे कह रहे हैं डिस्काउंट रेट, यूरोप में इसे कह रहे हैं रीफाइनेंसिंग रेट, ठीक है। एंड देन देयर इज अ वर्ड व्हिच इज बीइंग यूज्ड एज रीपरचेज रेट, जैसे इंडिया में आपने ये रेपो रेट वगैरह सुना होगा, तो दिस इज द रेपो रेट। अगर मैं जैसे इंडिया की बात कर लूं तो दिस इज द रेपो रेट। चल क्या रहा है कुल मिला के, रिजर्व बैंक जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा है, ये सारे के सारे उसके ही नाम है। अब क्यों अलग अलग नाम यूज किए गए वो टेक्निकलिटी में जाने वाली बात है, मैं 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन तो कर देता हूं, बट बिकॉज आपकी बुक्स ने इससे ज्यादा नहीं बोला है तो मैं भी घुसूंगा नहीं, ठीक है। दो तरीके से लोन दिया जा सकता है, मैं 100 रुपये दूंगा और 105 रुपये वापस मिलेगा कमर्शियल बैंक से, दिस इज ₹100 रिजर्व बैंक से कमर्शियल बैंक के पास गया और कमर्शियल बैंक ने 105 रुपये रिटर्न की, 5% का इंटरेस्ट आ गया यहाँ पे, यस नो, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। The other way could have been, अच्छा दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, द अदर वे कुड हैव बीन दैट जब रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा है तो ब्याज काट के पैसा दे, मतलब 96 दे और 100 वापस ले, दैट इज सेकेंड वे ऑफ डूइंग इट। ये रीपर्चेज रेट में देखना, रीपर्चेज रेट ये क्या हो रहा है देखना, गवर्नमेंट आरबीआई जो है वो अपनी कुछ सिक्योरिटीज बना रहा है, वो कह रहा है तुम मेरे से एक सामान 100 रुपए में आज खरीद लो, ऐसा ऐसा समझो कि मान लो मैंने तुम्हें बोला कि क्या तुम्हें मोबाइल फोन खरीदना चाहोगे, तुमने कहा नहीं, तुम मेरे पास आए लोन लेने के लिए, ये हम दोनों के बीच में सिर्फ लोन का ट्रांजेक्शन होगा। मैंने तुम्हें कहा एक काम करो, मुझे अपना कोई सामान दे दो 100 रुपए का, मुझे अपना कोई सामान बेचो 100 रुपए का, और आज से एक साल बाद मैं तो तुम्हें ये सामान वापस बेच दूंगा 105 रुपए का। ये कॉन्ट्रैक्ट सारा का सारा आज ही कर लेते, किया जा सकता है ना, यू एंटर इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ मी टुडे टू सेल समथिंग फॉर ₹100 एंड आफ्टर 1 ईयर टू बाय इट बैक फ्रॉम मी एट 105, किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। मैं आज कोई सामान तुमसे खरीद रहा हूं 100 रुपए का और एक साल के बाद आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि तुम एक साल बाद मुझसे ये सामान वापस खरीदोगे 105 रुपए का, वॉट इज द इंटेंट ऑफ मी बाइंग दैट प्रोडक्ट फ्रॉम यू, नथिंग, इट इज बीइंग केप्ट विथ मी एज अ सिक्योरिटी सॉर्ट ऑफ, नथिंग एल्स। अदरवाइज हो क्या रहा है, मैं तुम्हें आज 100 रुपए दे रहा हूं, एक साल के बाद तुमसे 105 रुपए वापस ले लूंगा, तो प्रैक्टिकली ये तो सिर्फ इंटरेस्ट वाला ट्रांजेक्शन है ना, हाँ या ना। मैंने तुम्हें लोन दिया, उसके बदले में कोई सिक्योरिटी रखवा ली, यही तो होता है। तुम मेरे पास आए, तुमने कहा हाँ जी मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, मैंने कहा ठीक है पेपर रखवा दो बैंक अपने प्रॉपर्टी के, तुमने प्रॉपर्टी के पेपर रखवा दिए, मैं उसको बेच तो पाऊंगा नहीं वैसे भी, क्यों उस पर नाम किसका लिखा हुआ तुम्हारा, मैं उसको बेचने के लिए जाऊंगा कोई खरीदेगा मुझसे, नहीं खरीदेगा। तो मैंने तुम्हें बोला ठीक है एक काम करते हैं ना, दो ट्रांजेक्शन करते हैं, पहला एक रजिस्ट्री मेरे नाम पे करा दो, दूसरा एक एग्रीमेंट टू सेल कर देते हैं, आज 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन करो मेरे को दो ये 1 करोड़ में, एक साल बाद का एग्रीमेंट टू सेल 1 करोड़ 5 लाख रुपए का, सारा लीगली सब सिस्टम विस्टम डन करा लेते हैं,
और मैं फाइनेंसर ही हूं, मेरा काम दिन रात ऐसी प्रॉपर्टियां लेना देना ही है, तो मैं प्रॉपर्टी थोड़ी ना खरीद रहा हूं। मैंने क्या किया आज, मैंने 100 में प्रॉपर्टी ली, 105 रुपए में उसको वापस एक साल के बाद का कमिटमेंट ले लिया उससे, तो मैंने उसको क्या किया, मैंने एक तरीके से सिक्योरिटी रखवाई अपने पास, दिस इज रीपर्चेज एग्रीमेंट। एक साल बाद का खरीदी का क्या रेट होगा वो रेपो रेट बता रहा है, हाँ या ना। तो प्रैक्टिकली नाम कोई भी हो, रिजर्व बैंक से कमर्शियल बैंक के पास जिस रेट में पैसा जाना है वो डिसाइड करेगा, उस रेट को पॉलिसी रेट कह रहे हैं। अगर आपको एक्सपेंशनरी पॉलिसी चाहिए, एक्सपेंशनरी मतलब इफ यू वांट पीपल टू हैव मोर मनी, देन व्हाट विल यू डू टू द पॉलिसी रेट, डिक्रीज। अगर कॉन्ट्रैक्शनरी रिक्वायरमेंट है तो क्या होगा, पॉलिसी रेट इंक्रीज, हाँ या ना। ये सिर्फ और सिर्फ इनके जो टर्म्स हैं आपकी बुक्स में दिए हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए, वो एक वर्ड यूज किया हुआ है 2 वीक रेपो रेट, एक जगह पे बोल रहे हैं रीफाइनेंसिंग रेट एंड दिस एंड दैट एंड व्हाट नॉट, ये सारे के सारे सेम है, ठीक है। नथिंग मोर टू एड इन दिस सिनेरियो। एक छोटा सा डिस्कशन मेरे को करना है इसी के आगे, इसी में ही। ये तो रेट थे जिसपे रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक को पैसे देता है, इसमें एक छोटा सा डिस्कशन करना है जिसमें एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक को पैसे देता है उन रेट्स का। आइए ओपन मार्केट ऑपरेशंस डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट इवन बिफोर आई मूव अहेड, आपको ध्यान होगा कल मैंने एंड एंड में कहा था कि एक छोटा सा टॉपिक है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पीस बट रहता है फेड फंड्स रेट। We had in general talked about the rates at which Reserve Bank commercial banks को loan दे रहे, ठीक है ना, यहाँ loan दे रहा है और इनको किस interest rate पे loan मिल रहा है, ये rates की बात हुई थी यहाँ पर, correct? And then I had said that ये जो commercial bank है, मान लो HDFC, ये SBI से भी transact कर सकता है, ये PNB से भी transact कर सकता है, it can transact with other banks as well, है ना, we had talked about this. तो Fed funds rate, Fed funds rate is the rate जिस पे ये एक दूसरे को overnight lending कर रहे हैं, overnight lending rates amongst commercial banks. Overnight lending rate amongst commercial banks. ये CBs का मतलब commercial banks है, FFR का मतलब Fed funds rate है, ठीक है। अब होगा क्या, Reserve Bank would set target rate and use open market operations to reach target. अब देखना मैं कर क्या रहा हूं, आई एम स्टडिंग पॉलिसी रेट्स विथ यू, और मैं पॉलिसी रेट्स में बोल रहा हूं कि यहां तक की तो कहानी ठीक थी, बट आपके पास ये वाला भी एक एंगल है दैट देर आर नॉट जस्ट डिस्काउंट रेट्स और your repo rates with yourself, you also have the or refinancing rate, you also have the concept of fed funds rate. ye fed funds rate kya hai jisme commercial bank ek dusre ko paisa de rahe hain. now in order to manage this fed funds rate, reserve bank jo hai wo target set karta hai, aur ye target ko manage kaise karta hai, open market operation se, theek hai, rule wahi rahega, interest rate badhane ghatane ke liye jo kal padh ke aaya wo rahega, rule wahi. But the point is, you also need to know that there is some other angle as well. ठीक है जी, सुनना, अगर मैं at an overall level बात करूं, at an overall level, हमने ये बोला कि अगर policy rate बढ़ा दिया जाता है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी, इसका इंपैक्ट है कॉन्ट्रैक्शनरी
और अगर घटा दिया जाता है तो इसका इम्पैक्ट है एक्सपेंशनरी, यस नो? अब बोल रहे हैं ये जो बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं इसका बेंचमार्क क्या है? है ना, मैं तुम्हें बोलूं कि अभी रेट 4% चल रहा है तो ये बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है ये नहीं पता चल रहा ना। तो या तो एक तरीका है कि आप इसके पास्ट नंबर से देख लेंगे कि पहले 4.5 था बढ़ा के 4, मतलब अब घटा के 4 की है, ये पहले 3 था बढ़ा के 4 की है। दिस इज वन एंगल। द अदर साइड इज वी गो इन टू फर्दर डेप्थ, सुनिएगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट, न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट। व्हाट इज न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट? इट हैज टू कंपोनेंट्स। दो मिनट सुनिएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। इट हैज गॉट टू कंपोनेंट्स। द फर्स्ट वन इज टारगेट इन्फ्लेशन, द सेकेंड इज रियल ट्रेंड सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। मान लो ये 1% है, ये 3% है, तो न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट हो गया 4%। कंप्यूटेशन में उतना इंटरेस्ट नहीं है, बोलना क्या चाह रहे हैं देखिएगा। न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट ये वो इंटरेस्ट रेट है जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में ना ग्रोथ, ना सुपर नेचुरल ग्रोथ आ रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है, ना डिक्रीज हो रही है। रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक को जब लोन देगा तो क्या इंटरेस्ट लेगा ये पॉलिसी रेट से डिटरमिन हो रहा है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक भी अपना स्प्रेड चार्ज करके आगे लोन दे देंगे। तो हमें क्या मैनेज करना था? हमें मैनेज करना था रिजर्व बैंक किस रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन देने वाला है। अगर रिजर्व बैंक ये चाहता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा रहे तो वो लोन का रेट घटा देगा, अगर वो ये चाहता है कि मार्केट में पैसा कम रहे तो लोन का रेट बढ़ा देगा, करेक्ट? दिस वॉज पॉलिसी रेट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फैक्ट कि बढ़ा रहा है घटा रहा है, वो तो एक हो गया कि पास्ट आप नंबर से मैच कर रहे हो, ठीक है। इन जनरल अगर आप पॉलिसी वाइज देख रहे हो तो आपको मैप किससे करना चाहिए? न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट से। न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट से। न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है टारगेट इन्फ्लेशन, दूसरा है रियल ट्रेंड सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, ठीक है। अब मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि मान लो 4% वो इंटरेस्ट रेट है, 4% वो इंटरेस्ट रेट है जहां पे आप बोल रहे हो न्यूट्रलिटी अटेन हो रही है, मीनिंग ना आप एक्सपेंशनरी काम कर, मतलब ना आप एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, ना आप कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? अब अगर आपका इंटेंशन है एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट करना, अगर आपका इंटेंशन है एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट करना तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? आप पॉलिसी रेट को क्या रखोगे? पॉलिसी रेट डैश इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट, मोर देन लेस देन इक्वल टू, यू विल कीप इट लेस देन, और ये अगर कॉन्ट्रैक्शनरी है तो मोर देन, ठीक है जी? प्लीज राइट दिस। आज क्या क्या कर चुके हैं आपने? कल लिखा था पॉलिसी रेट, इसका एक पार्ट था 5A। 5A में क्या था? जितने पे व्हाट यू कॉल रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा है। उसके बाद है 5B। 5B क्या था? जितने पे एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा है, ठीक है ना? देन यू टॉक्ड अबाउट 5C टारगेट रेट्स। 5D यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट्स। 5E दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ 5D।
न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट का मीनिंग लिखा है मैंने, आई मीन आई डिड इट ऑफलाइन, प्लीज नोट कर लीजिए, जो लोग रिकॉर्डिंग मोड में व्यू कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा. आई हैव जस्ट रिटन मीनिंग व्हाट इज द न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट इज द ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई दैट वुड लीड टू नीदर राइज नॉर फॉल इन द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी. मतलब यहां बोलना क्या चाह रहा हूं, अगर पॉलिसी रेट, इफ पॉलिसी रेट इज इक्वल टू न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट, इसका क्या मीनिंग होगा? ये एक्सपेंशनरी भी नहीं है और कॉन्ट्रैक्शनरी भी नहीं है. ये पॉलिसी नीदर एक्सपेंशनरी है नॉर कॉन्ट्रैक्शनरी है. हाँ हाँ जो मतलब अगर सेम है तो कुछ नहीं है, दैट्स इट. बाकी सब में तो जो पढ़ गया है वो करेक्ट है. एक मुझसे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि इंडिया का न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है. सुनना, ऐसा है ये जो रियल ट्रेंड ग्रोथ रेट है, अच्छा क्वेश्चन है, बल्कि भूल जाता शायद ये चीज डिस्कस करना. सुनना, जो आपका रियल ट्रेंड सस्टेनेबल ग्रोथ रेट है, दिस इज एन एस्टिमेटेड फिगर. दिस इज एन एस्टिमेटेड फिगर मतलब कि व्हाट डू यू कॉल इकोनॉमिस्ट, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट विल हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन इट, ठीक है ना. इसमें कुछ ऐसे बोल नहीं सकते. देयर इज एन एस्टिमेटेड फिगर, ठीक है. बुक्स में इतना वो सब लिखा नहीं है, फ्रेजर में नहीं लिखा हुआ है, सी बुक में है, कर लीजिए, ठीक चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज एन एस्टिमेटेड फिगर. एक और पॉइंट लिखना, दिस चेंजेस विथ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी. Structural changes in the economy. Example, after high quantum of debt, consumption reduce karega. ट्रेंड रेट भी रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है जी. नेक्स्ट चलते हैं, दिस वॉज पॉइंट नंबर 5. लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 6, ओपन मार्केट operations. Open market operations. देखना 6A. Most used monetary tool. ये most effective monetary tool जो लिखना चाहें आप, most effective monetary tool. ठीक है ना. पॉइंट सिंपल है, मीनिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब सिक्योरिटीज का क्या मतलब है, बॉन्ड्स आर बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट. Reserve Bank also gets in the trade to manage money supply.
इन ऑर्डर टू इफेक्ट क्या, इन ऑर्डर टू इफेक्ट क्या, इन्फ्लेशन, ठीक है। अब ये है HDFC और ये है रिजर्व बैंक। अगर आपने बताना है कौन सी पॉलिसी है, अगर रिजर्व बैंक बोले कि ठीक है लेट मी परचेज G-Sec, तो ये क्या होगा, इसके बदले में पैसा देंगे इसको HDFC को, ठीक है ना। ये पैसा देने का क्या इंपैक्ट होगा, मनी सप्लाई इंक्रीजेस, मनी सप्लाई इंक्रीजेस, इंटरेस्ट रेट्स हाँ इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस, ये कौन सी पॉलिसी है, कॉन्ट्रैक्शनरी नहीं कर रहा मैं, वो बन जाएगा खुद से, ठीक है। आगे चलें, चलें आगे। पॉइंट नंबर 7, मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म देखिएगा, चेंज तो नहीं किया ना, ठीक सुनना, यहाँ पे डिस्कस क्या कर रहे हैं, मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म में ये डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ वुड चेंज इन पॉलिसी रेट अफेक्ट प्राइस एंड इन्फ्लेशन, ठीक है। GDP या एग्रीगेट डिमांड आप कैसे मेजर करते थे, CGI and NX, यस नो, देखिएगा एक बार, अगर पॉलिसी रेट्स इंक्रीज किया जाता है तो इसका इंपैक्ट क्या आ रहा है, अगर पॉलिसी रेट को इंक्रीज किया जाता है तो इसका इंपैक्ट क्या आ रहा है, इंटरेस्ट रेट वुड इंक्रीज, इसकी वजह से लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा या कम, कम, तो इसकी वजह से कंज्यूमर की स्पेंडिंग ज्यादा या कम, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स दिस फॉल्स, एसेट प्राइसेस पे क्या इंपैक्ट आएगा, देखना, अगर पॉलिसी रेट इंक्रीज कर रहे हो, रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, आई इंक्रीज हो रहा है, मतलब डिस्काउंट रेट इंक्रीज हो रहा है, डिस्काउंट रेट इंक्रीज होने से प्राइसेस price of equity
फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट, ये जो भी हैं, ये नीचे आ रहे हैं? यस नो? एसेट प्राइसेस आर फॉलिंग? आ रहे, पहुंचेंगे वहां पे, पहुंचेंगे, दो मिनट रुकिए. वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या हुआ? वैल्यू ऑफ एसेट्स हैज डिक्रीज्ड. जब वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज करेगा तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? किसी की सेविंग या किसी के पास आज एसेट्स हैं 5 करोड़ रुपए के, कल उसे मेंटली लग रहा है कि यार आज यही जो 5 करोड़ का मेरा सामान था अब 2 करोड़ का रह गया. व्हाट विल ही स्टार्ट डूइंग? ही स्टार्ट स्पेंडिंग मोर और सेविंग मोर? सेविंग मोर, स्पेंडिंग लेस? यस नो? स्पेंडिंग या कंजम्पशन जो बोल लीजिए, लेस? क्वेश्चन मैं शायद नहीं लिखता, बट चलो ठीक है, आपके बुक्स में लिख रहा है तो कर लेते हैं. बिजनेस कॉन्फिडेंस लोअर. अगर बिजनेस कॉन्फिडेंस या कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस लोअर है तो इसकी वजह से क्या होगा? सेविंग्स मोर, स्पेंडिंग लेस? यस नो? इंपैक्ट देखना करेंसी पे क्या होगा. आपने अपने रेट्स इंक्रीज कर दिए, इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर दिए ना, इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया इंक्रीज, INR. अगर ऑपोजिट करेंसी INR के अगेंस्ट USD है तो USD डिक्रीज. मुझे एक बात बताना, फॉरेन करेंसी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स क्या इंपैक्ट आएगा? दिस इंक्रीजेस. मुझे बताना इंपोर्ट्स क्या होगा? इंपोर्ट्स बिकम चीपर. प्रैक्टिकली बोलना चाह रहा हूं, एक्सपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर या एक्सपेंसिव. इसकी वजह से अगर इंपोर्ट्स चीपर हैं तो क्या इंपैक्ट होगा? इंपोर्ट्स राइज या फॉल? राइज. एक्सपोर्ट्स राइज या फॉल? फॉल. NX, नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. एक्सपोर्ट्स फॉल, इंपोर्ट्स राइज. नेट एक्सपोर्ट्स पे क्या इंपैक्ट होगा? हाँ, नेट एक्सपोर्ट्स डिक्रीज. यस नो? ये तीन क्या कर रहे थे? आपको डोमेस्टिक या इंटरनल ऑब्लिक डोमेस्टिक डिमांड दिखा रहे थे. ये क्या हो गई है? डिक्रीज. और ये क्या है? ये है एक्सटर्नल डिमांड. ये क्या हो गई है? डिक्रीज. अब ये दोनों को कंबाइन कर दूं तो एग्रीगेट डिमांड, इन्फ्लेशन, डिक्रीज. यस नो?
ये एग्जैक्टली मैंने वैसा ही रखा है जैसा आपके बुक्स में लिखा हुआ है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता ऐसा करना। अगर आप पुरानी वीडियोस देखोगे तो बुक्स का ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहे, मुझे वही ऑर्डर पसंद है, बिकॉज मुझे लगता है वो ज्यादा लॉजिकली एक के बाद एक पीस फॉलो करता है। बट आई एम टेलिंग यू द स्ट्रगल दैट आई हैड इन इनिशियल, मतलब इन इनिशियल एग्जाम्स। हमने जो पढ़ा है वो ज्यादा अच्छे तरीके से सेम चीज पढ़ी है। अगर कोई इतना एफर्ट लेगा कि वो पूरा पढ़ ले, पूरी वीडियोस देखे, उसके बाद आके श्वाइजर सी बुक जो भी कर रहा है उसको पूरा करे, उससे अच्छे से बनेगा। बट वॉट स्टूडेंट्स डू इज वो यहाँ से पढ़ते हैं श्वाइजर से या कहीं से, और उसको मैप करते हैं वहां पे, या एक टॉपिक पढ़ने के बाद यहाँ पे ढूंढते हैं। अभी ढूंढने में मैपिंग वैपिंग हो नहीं पाती है। इफेक्ट ये होता है कि ज्यादा अच्छे से करने की कोशिश थी और उसके बाद उसको लगता है कि यार वहां जो पढ़ा रहा है वो ज्यादा कुछ लेवल है, यहाँ जो पढ़ रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है, और वो बोलता है इकोनॉमिक्स मुश्किल है नहीं ऐसा। ठीक है, मतलब अब हम पूरे के पूरे टाइम डिस्काउंटिंग, कंपाउंडिंग, फिक्स इनकम, इक्विटी, कॉर्पोरेट इश्यूअर्स, FSA, ये सब में एक थीम चल रही है, इसकी थीम वैसी नहीं है, तो ठीक है डिफरेंट है, वो मान सकता हूं, ऐसा डिफिकल्ट है वैसी वाली बात नहीं है, स्कोर कम आने का कोई रीजन नहीं है। तो आई हैव ट्राइड कि चलो ठीक है इस तरीके से कर लेते हैं दैट यू आर एबल टू मैप इट टू योर ओरिजिनल डिस्कशन, होपफुली इट हेल्प्स। ठीक है, दिस वॉज अबाउट मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, इसको कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे आगे का डिस्कशन करेंगे। चलो ये वीडियो यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। इनफैक्ट इस वीडियो में ओपन मार्केट ऑपरेशंस और मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बेसिकली ये आया है। हाँ नहीं, फेड फंड्स रेट से यहाँ पे डिस्कस किया है। आई शुड हैव क्रिएटेड अ सेपरेट वीडियो फॉर मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वी आर डिस्कसिंग मॉनेटरी पॉलिसी लिमिटेशंस। एज सच मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, बट बीच में एक पॉइंट पे व्हाट यू कॉल स्टक हो गया, दैट्स व्हाई आई एम री रिकॉर्डिंग दिस पीस। आई वाज सेइंग समथिंग ऑन दीज लाइंस, आई वाज सेइंग दैट अगर करंट एनवायरमेंट इन्फ्लेशनरी हो तो गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करने के लिए क्या बोलेगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए द इंटेंशन विल बी टू इंक्रीज द पॉलिसी रेट्स, करेक्ट। अगर करंट इन्वायरमेंट इन्फ्लेशनरी है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी रेट्स को इंक्रीज करेगी। अगर करंट इन्वायरमेंट डिफ्लेशनरी है तो गवर्नमेंट पॉलिसी रेट्स को डिक्रीज करना चाहेगी। नाउ इफ यू डिक्रीज द पॉलिसी रेट, इज इट इफेक्टिव? द आंसर इज येस, बट वॉट इफ द पॉलिसी रेट्स आर ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटली जीरो, देन हाउ डू यू फर्दर वॉट यू कॉल प्रोवाइड स्टिमुलस टू द इकोनॉमी? आप उसमें इन्फ्लेशन या उसमें थोड़ा सा प्राइस राइज किस तरीके से कर सकते हैं? क्या पॉलिसी रेट्स यूज भी आएंगे? द आंसर इज वेरी मच नो। पॉलिसी रेट्स या फिर मॉनिटरी पॉलिसी वुड एसेंशियली बिकम इन इफेक्टिव, ठीक है ना? दिस हैपेंड इन द केस ऑफ एन इकोनॉमी लाइक जापान। ठीक है, दिस वॉज अबाउट आर फर्स्ट पॉइंट, दिस वॉज 8-1। आप लिमिटेशंस में क्या डिस्कस कर रहे हो, कहां कहां पे मॉनेटरी पॉलिसी के मतलब का यूज करने के बाद भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाएगा या फिर कहां पे ये इनइफेक्टिव रह जाएगी, समथिंग ऑन दीज लाइंस। ठीक है, दिस वाज पॉइंट नंबर वन, लेट अस मूव अहेड। सुनना, ये डिस्कशन हमने पहले ही कल कर लिया था, एक बार फिर भी आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, सुनिएगा। लेट्स से इन जनरल ये डिस्कशन हुआ कि अगर पॉलिसी रेट कम है, अगर पॉलिसी रेट कम है तो मनी इज अवेलेबल टू कमर्शियल बैंक एट चीपर रेट, ठीक है ना? आइडियली क्या सोचना चाहिए, आइडियली कमर्शियल बैंक शुड, आइडियली कमर्शियल बैंक शुड लुक फॉरवर्ड टू व्हाट डू यू कॉल गिविंग आउट मोर लोन्स, इजंट इट? इट शुड लुक आउट टू गिव आउट मोर लोन्स।
बट थिंक ऑफ 2008 क्राइसिस, अब हुआ क्या पोस्ट 2008, रिसेशनरी इन्वायरमेंट आ गया था, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि ठीक है तुम मतलब लोन्स बांटो आगे, यस नो लोन्स बांटो आगे, बट द पॉइंट इज कमर्शियल बैंक्स फियर डिफॉल्ट, हेंस वुड नॉट इंक्रीज देयर लोन बुक, मतलब वो आगे और लोन देने को रेडी होंगे नहीं। हाँ या ना, लेंडिंग डिक्रीज्ड इवन व्हेन मनी सप्लाई हैड इंक्रीज्ड, मनी की सप्लाई इंक्रीज हो गई थी ना, यहाँ पे पॉलिसी रेट कम कर दिया गया, ठीक है ना, तो ये मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई, मनी सप्लाई इंक्रीज्ड, हाँ या ना, बट स्टिल इन्होंने लोन्स नहीं दिए आगे, इसका क्या मतलब हुआ, लेंडिंग लेस इवन व्हेन द मनी सप्लाई हैड इंक्रीज्ड, ठीक है जी। ठीक है आगे मूव करते हैं। देखना यहां बोलना क्या चाह रहे थे, बोले यार पॉलिसी रेट अगर कम कर दे और मनी सप्लाई इंक्रीज कर दे तो भी जरूरी नहीं है कि लेंडिंग हो रही थी, तो भी जरूरी नहीं है कि लेंडिंग हो रही थी, मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही थी तो भी लेंडिंग नहीं हो रही थी, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसके बाद एक और एक्शन लिया, उन्होंने कहा भाई पॉलिसी रेट का तो देख लिया जो करना था, अब They said, okay, let's do one thing. They started getting into sort of open market operations, sort of activity. देखना आपकी books क्या कह रही है, it said, billions of dollars were made available for the Fed to buy assets other than short-term securities. Open market operations जैसा कुछ किया, आगे का केस बहुत अच्छा है, सुनना. Large amount of mortgage securities were purchased from banks to encourage bank lending and to reduce mortgage rates. सुनो क्या बोलना चाह रहे हैं, इसे ना क्वांटिटेटिव ईजिंग कह रहे हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग, ये टॉपिक अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप सुनिएगा आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, सुनना। इंटरेस्ट रेट्स का तो जो करना था कर लिया, अब बैंक्स की बैलेंस शीट में एसेट्स दिख रहे थे, एक बार ना 5 मिनट के लिए इसको पॉज कर देता हूँ, अवॉइडिंग की मैं 2008 क्राइसिस की बात ना करूं, आपको बोलूं वीडियो देख लो, बट यहाँ पे इसके बिना ना क्वांटिटेटिव ईजिंग समझाने में दिक्कत होगी, अटेम्प्ट करूंगा 5 मिनट में ही कंप्लीट करूंगा, बिकॉज थोड़ा सा मतलब ये टॉपिक कंप्लीट करना है, फिर अगला फिस्कल पॉलिसी करना है, आई विल नॉट इलॉन्गेट द डिस्कशन, अगर वहां पे जाता है तो मैं आपको वीडियो देखने के लिए बोल दूंगा, हम क्वांटिटेटिव ईजिंग पे दोबारा आएंगे, ठीक है। सुनना 2008 के टाइम पे क्राइसिस में हुआ गया था प्रैक्टिकली वो बता रहा हूं, एक बैंक नॉर्मल, अभी स्टेप वन से स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टेप वन, मुझे घर की जरूरत है, मैं बैंक के पास गया, बैंक ने बोला कि हाँ जी कितने का घर है, मैंने कहा 100,000 डॉलर से, 1 लाख डॉलर, मतलब इंडियन टर्म्स में 80 लाख रुपए के आसपास का घर, मैं वहां गया मैंने कहा 100,000 डॉलर का घर है, मुझे आप लोन दे दीजिए, कह रहे हैं ठीक, अपना वहां का जो सिबिल ये वो सब होता है, उन्होंने पेपर वेपर्स लिए दिस दैट, मुझे उन्होंने लोन दे दिए, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ठीक ठाक जॉब है, पढ़ा लिखा आदमी कर लेगा,
लोन तो रिपे हो ही जाने, हमने कहा जी हो जाएगा लोन रिपे, आई स्टार्टेड डूइंग दिस जॉब, आई स्टार्टेड रिपेइंग द लोन, दिस गुड। बैंक की बैलेंस शीट में, बैंक की बैलेंस शीट में जो उसने मुझे लोन दिया वो कहाँ दिख रहा होगा, एसेट्स या लायबिलिटी? उसने मुझे जो लोन दिया वो कहाँ दिख रहा होगा? तो लोन टू केएस $100,000 ये दिख रहा है उनके एसेट्स में। मान लो बैंक को पैसों की जरूरत है और बैंक के पास लैंड पड़ा हुआ है, क्या वो उसे बेच सकता है? अच्छा बैंक छोड़ो, अगर किसी भी पर्सन को पैसों की जरूरत है, उसके पास लैंड पड़ा है, क्या वो उसे बेच सकता है? उसे प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट बेचना है, क्या उसे बेच सकता है? कोई भी एसेट साइड की चीज बेची जा सकती है, यस नो, है ना? क्या लोन बेचे जा सकते हैं? बेच सकते हैं। इस बैंक ने क्या किया वो देखना। इस बैंक ने बोला जैसे केएस ने लोन लिया, ऐसे बहुत सारे लोगों ने लोन लिया, ये सारे के सारों को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना दिया। मान लो ये टोटल हो गया $1 मिलियन, ये टोटल हो गया $1 मिलियन, इसने ये प्रोडक्ट आगे बेच दिया। बैंक ने क्या सोचा, केएस जब कैश देगा तो कैश कैसे दे रहा होगा, मान लो साल का 12% इंटरेस्ट रेट, यस नो? इसने एक दूसरे, मान लो ये बैंक है HDFC, इसने एक दूसरे बैंक को पकड़ा HDFC ने SBI को, कह रहा पूरा का पूरा मेरा लोन तुम ले लो, मेरा लोन तुम ले लो, ये क्या है, रिसीवेबल्स है ना, ये रिसीवेबल है ना, SBI को बोला रिसीवेबल्स देता हूं मैं तुमको $1 मिलियन के, तुम मुझे पैसे दे दो $1 मिलियन, हाँ ना? SBI ये डील करेगा क्यों? कौन सा इंटरेस्ट, वही $1 मिलियन, वही $1 मिलियन, इसको क्या ही मिलता है? केस समझ आ गया ना क्या बोल रहा हूं मैं? वो बोलेगा भाई मुझे क्या मिल रहा है, तेरा $1 मिलियन का रिसीवेबल है, मुझे $1 मिलियन, मैं तुम्हें $1 मिलियन ही, मतलब व्हाट डू आई रियली गेन इफ आई एम पेइंग यू $1 मिलियन, आई एम गेटिंग $1 मिलियन फ्रॉम इट, व्हाई डू इवन आई गेट इनटू दिस सॉर्ट ऑफ डील? बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ, इस बैंक ने क्या किया होगा, इसने बोला होगा कि मैं $1 मिलियन का रिसीवेबल लेता हूं तुझसे, मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते, ऐसा, हाँ या ना? इसने यही लोन सस्ते में खरीद लिया होगा ये सोच के कि ठीक है बाद में तो पूरा पैसा आना है ना, समथिंग ऑन दीज लाइन। अच्छा ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है बताना, एक एक सिंगल एसेट है, क्या एसेट क्या है रियल में, एक घर है, उसके अगेंस्ट में एक लोन होना चाहिए, ठीक है ना? बाद में इसी लोन का पैकेट बना के आगे बेच दिया जा रहा है, ये आगे आगे और सारे केसेस चल जाएंगे। अच्छा ओके, ये जो रिसीवेबल्स हैं, अभी तक मैंने नाम लिखा था SBI, अब मैं इस कहानी को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ये ना मान लो कोई एक दूसरा इन्वेस्टर है, ठीक है, या फिर मान लो ये एक हेज फंड है, इसने बोला कि हम ये तुमसे लोन ले लेते हैं, और ये लोन फंड कौन करेगा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, तो $1,000 बहुत लोगों ने डाल दिया, ये बात समझ आ गई आपको? SBI तो अपने पैसे देता, इन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को पकड़ा, वो कह रहे हैं यार तुम पैसे लगा दो, तुम्हें हम सामने में व्हाट डू यू कॉल रिसीवेबल्स दिला दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कौन से रिसीवेबल, कह रहे हैं इससे ज्यादा तो सेफ रिसीवेबल ही नहीं है, ले कौन से, कह रहे हैं जो लोगों ने घर खरीदा है ना, तुम बताओ जिन्होंने घर लिया है क्या उनका बहुत अच्छे से बैंक ने ड्यू डिलीजेंस किया होगा या नहीं किया होगा? हाँ किया होगा, जिसको $1 मिलियन का लोन दिया है उसकी 3 मिलियन की प्रॉपर्टी एक तरीके से हाइपोथिकेट की होगी, तो 3 मिलियन की प्रॉपर्टी के पीछे 1 मिलियन दिया होगा, और बंदा अपना घर थोड़ी छोड़ेगा, वो तो लोन रीपे करता ही रहेगा, तो इससे बढ़िया कोई क्वालिटी नहीं है। तो कह रहे हैं हाँ यार बात तो ठीक है, इन्वेस्टर्स आ गए यहाँ पे, हाँ या ना? इनके जो लोन की क्वालिटी है वो बढ़िया है या नहीं? बिल्कुल बढ़िया है, प्रॉब्लम क्या होगी? इनके मन में है क्यों हम भी इस तरीके से रिसीव करें,
हम भी ये आगे पास ऑन कर देते हैं, यही रिसीवेबल्स हम भी आगे पास ऑन कर देते हैं, है ना, हम भी थोड़ा सा बीच में कट रख के इस लोन को आगे पास ऑन कर देते हैं, अगला रीपे करेगा, छोटा सा कट एचडीएफसी रखेगा, छोटा सा कट हम रखेंगे, रिसीव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की। सर ऐसा कर क्यों रहे थे? क्योंकि तो सबके दिल में ये आ रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोन बांट पाए। एचडीएफसी को क्या मिल रहा था? उसकी बुक फ्री हो जा रही थी ना, उसके पास फिर उसके पास और लोन देने की कैपेसिटी आ रही थी। ये सब जब एचडीएफसी करेगा तो उसका दिल क्या होगा? जो पैसा मेरे को लेना था वो तो मैंने आगे पास ऑन कर दिया, अल्टीमेटली तो दुनिया ने पैसा लगा दिया ना इस लोन के पीछे, और मुझे फ्री में बैठे हुए 2% मिल ही रहा है। अब एचडीएफसी क्या सोचेगा? पहले 1 मिलियन दे चुके थे लोन, अब और 1 मिलियन देते हैं, फिर और 1 मिलियन। लेकिन मार्केट में कितने ही लोग हैं जो लोन ले पाए इज्जत से, क्रेडिबल तरीके से? बहुत कम। बाद में क्या हुआ? अगर बैंक के ऊपर एक ही केपीआई है, अगर बैंक का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यही है कि वो लोन कितने बांट पाए, तो ये तो बहुत ही परेशानी वाली चीज है। क्योंकि तो बैंक अपनी क्रेडिट कंट्रोल की सोचेगा ही नहीं, बैंक क्या सोचेगा बार बार कि आओ लोन बांटता हूं। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? है ना, एचडीएफसी के पास टोटल 100 मिलियन था लोन देने के लिए, उसने 100 मिलियन का लोन दिया, वो उसको चुपचाप से अगर बैठ के, एचडीएफसी ने सिर्फ नाम के लिए बोल दिया वहां के किसी बैंक का, वो अगर चुपचाप से उसी लोन को रियलाइज कराते तो बढ़िया जिंदगी चलती होगी। बट दे गॉट एग्रेसिव, दे गॉट लालची, दे गॉट ग्रीडी, दे सेड ओके ये लोन बेच देता हूँ छोटे इन्वेस्टर्स को, इसमें से एक छोटा सा कट कमा लूंगा और लोन ले लेता हूँ, और लोन बांट देता हूँ। उसको फायदा पता है क्या था? जब भी आगे वो लोन बांटेगा, वो लोन बांटेगा आगे, इसके बुक में फिर रिसीवेबल आएंगे। दुनिया क्या सोचेगी कि ये रिसीवेबल्स की क्वालिटी कैसी है? बहुत जबरदस्त है ना, दुनिया ये सोचेगी कि ये क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। और ये क्यों सोचेगी? ठीक है, एक तो दे हैव दिस बिलीफ, बट अदरवाइज हम क्या करेंगे? हम क्रेडिट रेटिंग फर्म्स के पास जाके बोलेंगे हमारे लोन्स का क्रेडिट एनालिसिस कर दो। वो इंडस्ट्री वैसी बहुत शेडी है, दो लोग बैठे हैं, मान लो क्रिसिल इकरा, ये दो बैठे हैं, रेटिंग कराने जाना है, मैं क्रिसिल के पास गया, मैं कह रेटिंग कर दो, कह रहे ठीक है 1 लाख रुपए। मैं कह रहा हूँ अगर मैं इसके 10 लाख दे दूँ तो? कह रहे फिर ट्रिपल है वो, आप बंदे बहुत बढ़िया हो क्या, फिर बस मारो मुंह पे पैसे। अच्छा बाद में वो बोल दे नहीं 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 मैं तो सच के साथ, तू 10 लाख दे चाहे 1 लाख दे, कह रहे ठीक है तू सच के साथ, तेरी दुकान बंद होके रहेगी क्योंकि तो तेरे पड़ोसी के मुंह पे तो पैसे मार ही सकता हूँ। हाँ या ना? तो बंदा क्या कह रहा है? उसके मुंह पे मारेगा, मेरा मुंह क्या बुरा है, मेरे पे ही मार दे। हाँ या ना? यही ना, तो क्रेडिट रेटिंग बढ़िया मिल गई, अब फिर लोन्स, फिर से लोन्स बढ़ रहे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सब करके होगा क्या? ये सब का इंपैक्ट रियल एस्टेट मार्केट में क्या होगा? रियल एस्टेट मार्केट में तो आग लग जानी चाहिए, क्योंकि क्योंकि बैंक का दिमाग खराब हुआ पड़ा है। वो कह रहा है लोन दे के रहूंगा, मेरे पास फोन है कह रहे होम लोन ले, मैं कह रहा हूँ मेरे पास दो है, कह रहा तीसरा लो ना। मैंने कहा क्यों? तो कह रहे रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ रहा है। मैं तुम्हें कैसे पता? वो कह रहा है मैं ही तो बढ़वा रहा हूँ, मैं लोन बांट रहा हूँ, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, पीपल आर एंडिंग अप बाइंग सो मेनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, है ना? ये विशेष सर्कल कहाँ रुकेगा? बैंक लोन देने में एग्रेसिव रहेगा, क्रेडिट रेटिंग उसको रेटिंग अच्छी देते जाएगा। बैंक लोन देगा ऐसे बंदे को जिसकी औकात नहीं है रीपे करने की, वो घर पे घर लेते जाएगा। कब तक की कहानी सेट है? जब तक के प्राइसेस बढ़ते रहे, जब तक प्राइसेस बढ़ते रह रहे हैं तब तक दिक्कत नहीं है। क्यों? प्राइस बढ़ रहे हैं तो रेंट इंक्रीज हो रहा होगा, रेंट इंक्रीज हो रहा होगा, वहां से रेंट लेके ये लोग अपना किस्तें चुकाते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा समस्या आई तो एक आध बेच दिया उठा के, फिर वापस दे दिया लोन, फिर गाड़ी दोबारा चला दी। ये कब तक चलेगा? कहीं ना कहीं तो रुकना है। यस नो? अच्छा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है? ये लोन्स को पैकेट बना के पीछे बेचा जा रहा है, दे आर थिंकिंग कि ये तो डिफॉल्ट हो ही नहीं सकते, जबकि उन लोन्स की 100% प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट करने की है। इफ यू हैव वॉच दैट मूवी बिग शॉर्ट, ठीक है, वी ऑल आर एडल्ट्स एंड आई डोंट माइंड दिस सेइंग, हो रहा है वो, देयर वाज अ बैंकर हु गोज टू अ क्लब, वहां पे द डांसर ऑफ दैट क्लब मेंशन कि मेरे पास चार घर है ना,
एंड इट गॉट दोज बेल रिंगिंग इन हिज माइंड कि भाई इसके पास भी चार घर है बताओ. व्हाट डिड दैट सीन टेल यू कि बॉस जिसकी औकात रेंट पे रहने की नहीं है उसके पास चार कोठियां थी और वो सारी की सारी लोन पे थी और जिसने लोन लिया उसको डर भी नहीं लग रहा था. क्यों? क्योंकि उसकी तो औकात एनी विच वेज कहाँ रहने की है, रेंट पे. तो लग रहा है क्या ही उखाड़ लेंगे मेरा घर ही तो ले जाएंगे जब वापस में से, और क्या कर लेंगे, ले जाओ बस भी तो मैं जब रोड पे ही था. हाँ कि ना? ठीक है ना. अब अगर बैंक्स के एंगल्स, अच्छा ये जो पहले वाली सिक्योरिटी है तो होम लोन है. ठीक है, ये सब मैंने सुनाया क्यों, वो एक बार वो बता दे रहा हूँ आपको. HDFC बैंक ने दिया ये होम लोन है, करेक्ट. बाद में HDFC ने उठा के ये सारे के सारे लोन एक दूसरे हेज फंड को पास ऑन कर दिए. ठीक है, इस हेज फंड को पास ऑन कर दिए. हेज फंड ने क्या किया, हेज फंड ने बोला मैं तुम्हारे सारे के सारे लोन ले लेता हूं, इसके बदले में मैं कुछ सिक्योरिटीज इशू कर दूंगा, एक सिक्योरिटीज इशू कर दूंगा, है ना. ये सिक्योरिटीज की बैकिंग क्या है, ये मॉर्गेजेस, ये होम मॉर्गेजेस, ये है इसकी बैकिंग. दैट्स व्हाई दीज सिक्योरिटीज, ये जो इन्वेस्टर्स आ रहे थे यहाँ पे, इन इन्वेस्टर्स को कुछ सिक्योरिटी इशू की जा रही होगी. दीज सिक्योरिटीज वर कॉल्ड मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज. प्रॉब्लम क्या थी, ऐसा क्लेम किया जा रहा था कि मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज की, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज की क्रेडिट रेटिंग उतनी है जितनी इसकी क्रेडिट रेटिंग है. प्रॉब्लम कुछ और थी, प्रॉब्लम ये थी एक घर है उसके ऊपर एक लोन आया, यहाँ पे इसने लोन बेचा, इसने लोन बेचा, इसने लोन बेचा, तो वो लोन बेच चुका है चार बार, है ना. तो एक तरीके से एक लोन के ऊपर, एक घर के ऊपर चार लोन जा चुके हैं एक तरीके से, अगर आप ऐसे समझना मतलब देख पाओ तो. चार जगह डिफॉल्ट होगा ना, कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा ना उसका, यस नो. और ये तो एक सेट ऑफ प्रॉब्लम है. दूसरा क्या है, पहले तो ये बंदा क्रेडिबल था, करण सिंह क्रेडिबल तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इनिशियल डेज में आप क्या करोगे, आप लोन बांटोगे क्रेडिबल लोगों को, पीपल हु डिजर्व टू गेट द होम लोन, हु हैव द रीपेमेंट कैपेसिटी एज वेल. एंड देन वो मूवी में क्या दिखा रहा है कि वो डांसर्स को उठा के दे दिया. अगेन नथिंग अगेंस्ट दोस डांसर्स, बट एट द एंड ऑफ द डे समवन हु इज लिविंग ऑन टिप्स प्रोबेबली is not good enough to buy a home as of now. टिप महीने ही कम आए तो खाना पीना सोचना पड़ रहा है, तो भाई तुम EMI कैसे दोगे, है ना. मतलब इट्स अ वेरी जेन्युइन केस. और बाद में इसकी क्वालिटी डाउन हो गई तो ये, और ऐसा जब इसकी क्वालिटी ट्रिपल ए हो तो भी इसकी क्वालिटी ट्रिपल ए नहीं रहनी चाहिए, दिस शुड बी डबल ए और ए और वॉट एवर. बट द पॉइंट इज जब ये डाउन होकर डी पे आ जाए, डी मतलब पता है ना क्या, डिफॉल्ट रेटेड बॉन्ड, जंग बॉन्ड, तो ये क्या होंगे, ये सुसाइड होंगे. ठीक है ना. और वही हुआ फिर, तो क्यों नहीं मिलती है, काम वैसे होंगे तो वैसी रेटिंग मिलेगी. द पॉइंट इज उनकी ट्रू रेटिंग डी रहनी चाहिए थी लेकिन दी जा रही थी ट्रिपल ए, और जो पीछे जो उसकी जो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज थी उसका डेड श्योर था डिफॉल्ट करना, बट उसको भी क्या रेटिंग मिल रही थी, ऑब्वियसली ट्रिपल ए. तो जो बैंकर्स थे वो क्या बोल रहे थे, ट्रिपल ए सिक्योरिटी, इंटरेस्ट रेट भी बढ़िया, वो कह रहे हैं ऐसा प्रोडक्ट नहीं है. हाँ या ना, तुमको मैं बोलूं कि जाओ SBI में जाके FD करा लो 16% पे, मैं कह रहा हूँ कल स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा. SBI बोल दे कि हाँ मैं 18% पे आपको FD करके देता हूँ, स्टॉक खत्म है, स्टॉक मार्केट 50% फंड शुड बी पुल्ड आउट. मतलब मुझे अगर आज कुछ करना हो और SBI बोलते 18%, मैं चुपचाप सारा पैसा उठा के SBI में डाल दूंगा. आज से ये तो कर ही लेते हैं, क्यों, FD है ना वो, SBI फंस जाएगा ना एक बार में 6 साल के लिए, बोलेगा आज इसको फंसा लेते हैं, क्यों कल वापस 6% हो जाएगा रेट तो इसको फंसा लेते हैं, ये हो गया. अब जो फंड हम कमाएंगे वो देखते रहेंगे ना, हम इधर उधर वो डालते रहेंगे ना स्टॉक मार्केट में. अभी जब रिस्क फ्री मिल रहा है महीने का 1.5%, तो उंगली क्यों करनी है. What were these investment bankers selling? These investment bankers were selling कि बॉस ट्रिपल ए रेटेड प्रोडक्ट, ये तो डिफॉल्ट हो ही नहीं सकते, ट्रिपल ए भाई क्या बोल रहे हो, क्रिसिल.
ये तो डिफॉल्ट होने से रहे, और तुमको इंटरेस्ट रेट भी बहुत बढ़िया मिल रहा है। बंदे कह रहे वाह, जो इन्वेस्टर है वो भी कह रहे वाह। अब यहां पे बर्बाद कौन हुआ? जैसे ही लोन रीपेमेंट की कैपेसिटी खत्म हुई तो वहां से पैसा आना बंद, जब पैसा आना बंद तो इन्वेस्टर्स को पैसा मिलना बंद, तो इन्वेस्टर्स को सेंस होने लगा कि हाँ ये तो दिक्कत है, ये क्या होंगे, रीच आउट करेंगे HDFC को कि लोन नहीं आ रहा। ये बोलेगा ठीक है कुछ नहीं होता, घर ले लेता हूँ। वो घर लेने गया तो मालूम पड़ा 100 घर जो बांटे हुए उसमें से 99 वापस आ रहे हैं, सब वापस आ गए, कह रहे हाँ ले लो घर ले लो। अब जो इन्वेस्टर्स ने पैसा डाले उनका पैसा डूब गया, दीज इन्वेस्टर्स लॉस द मनी। जो घर की वैल्यू 100,000 में ओरिजिनली गया था वो मार्केट में 1 मिलियन का हो चुका था, और बाद में लोन किस का दिया गया, 1 मिलियन का लोन दिया गया था, 1 मिलियन का, वो अपनी ट्रू वैल्यू पे 100,000 पे आ गया। तो बैंकर उस पोजीशन में आ गया कि जिसका लोन डिफॉल्ट हो रहा है, बैंकर उसके पास गया कह रहा मैं घर ले लूंगा वापस, कह रहा प्लीज ले ले क्योंकि मैंने लोन लिया था 1 मिलियन डॉलर का, आज वो घर बिकता नहीं है 100,000 डॉलर का, तो तू ले ही लेना मेरे से वापस। मेरे पास आज क्या है, मेरे पास अगर मेरी बैलेंस शीट है तो मेरे पास मेरी बैलेंस शीट में एसेट साइड में 1 मिलियन डॉलर का घर और 1 मिलियन डॉलर का लोन है। ठीक है, आइडियली क्या होना चाहिए, घर बेच दू 1 मिलियन डॉलर का, लोन चुकता हो जाए। कह रहा घर बेचने जा रहा हूँ 100,000 का बिक रहा है, तो लोन 1 मिलियन का तो सरदर्द ही है, जेब से तो दूंगा नहीं बाकी 900,000, इससे अच्छा हाँ तू सही बोल रहा है, तू मेरे से ले लेगा ना ये चाबी है, ले अभी ये घर तेरा हुआ, अब बता क्या करना है। मतलब पीपल वुड बिकम विलफुल डिफॉल्टर ना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट होल्डिंग टू योर एसेट एंड लाइबिलिटी, बिकॉज दीज टू आर एनी विच वे मैप टू इच अदर। तो बोले ठीक है लोन भी कैंसिल, घर भी कैंसिल, जा सकते हो। बैंक किस जगह पे आ गया, बैंक खुश हो रहा था अपनी लोन बुक पे, कह रहा लोन तो सारे खत्म हो गए, जबरदस्ती में प्रॉपर्टियां मुझे मिल गई सारी की सारी, हाँ कि ना, और लोन दिया था 1 मिलियन डॉलर का, घर मिला है 100,000 डॉलर का, तो बैंक डूबेगा कि नहीं डूबेगा? वही हुआ लेमन ब्रदर्स वाले केसेस में। ठीक है मैंने कुछ पीसेज ऑफ स्टोरी हटा दिए कि मुझे CDS ना समझाना पड़े दिस दैट, बट मोर और लेस तो यही हुआ, दिस दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। दैट्स व्हाई देयर वाज अ टाइम कि 1 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी आई थी, 70,000 डॉलर, 80,000 डॉलर, 100,000 डॉलर, दीज वर द एक्चुअल रेट्स इन द मार्केट। एंड कुछ ठीक ठाक लोग जो बहुत सेन तरीके से चल रहे थे, जो ऐसे मतलब बेवकूफ़ी भरे डिसीजंस नहीं ले रहे थे, दे वर एबल टू बाय दीज प्रॉपर्टीज एट दीज डिप्रेस रेट्स ऑफ 100,000। मतलब एक प्रॉपर्टी जो 300,000 की होनी चाहिए वो थ्री वो लेट्स से 1 मिलियन पे पहुंच चुकी थी, और वो बाद में 100,000 पे और 80,000 डॉलर पे मिली। तो यार 3 लाख डॉलर की प्रॉपर्टी अगर आपको 80,000 डॉलर में मिल रही है, तो नथिंग लाइक इट वाला सिनेरियो है, बिकॉज एक साल के अंदर अंदर प्राइसेस वापस रीबाउंस करके वहां पहुंच गए थे जो उसकी ट्रू वैल्यू होनी थी, बिकॉज होशियार लोगों की भी कमी नहीं है ना। ये वॉरेन बफे जैसे लोग जो स्टॉक खरीद ले रहे हैं, ऐसे लोग क्या रियल एस्टेट में नहीं बैठे क्या? उनको भी पता था ना इसकी क्या रियल वर्थ है, दे आर सिटिंग ऑन ट्रक लोड ऑफ कैश, दे इन्वेस्टेड इन इट, और प्राइसेस वापस पिक होने लगे, साल के बाद प्राइसेस वही मैप हो गए थे। लेकिन सोच के देखो 80,000 डॉलर का घर लिया आपने, वो 300,000 का हो गया, आपका 2-3 साल बाद ये होगा कि रेंटल रेंटल इतना अच्छा आ जाएगा कि मतलब अगर आप रेंटल यील्ड ऑन योर ओरिजिनल परचेज प्राइस देखने के लिए जाओगे ना तो 30-30, 40-40% किया जाएगा, इट विल बी द इट विल बी योर लाइफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट। देर आर पीपल हु बिकेम हु आर टूडे हैविंग नेटवर्थ ऑफ नॉर्थ ऑफ 500 मिलियन डॉलर बिकॉज ऑफ दैट वन इवेंट, कि उस समय 2 घर परचेज कर पाए थे। उस समय सोच के देखो ना, अगर मेरा सिबिल अच्छा है और मेरे पास एक ऐसी जॉब है जिसमें मेरी 500,000 डॉलर की सैलरी है, मैं 2 घर भी लेने के लिए जाऊंगा ना, मुझे बैंकर दे देगा कि चल कोई तो है जो पैसा देगा, कि है कि काम तो कर रहा है किसी बिग 4 में, इसकी तो जॉब सिक्योर है, इसका तो कुछ जाना नहीं, इसको लोन दे देता हूँ। और मुझे सिर्फ 2 साल तक के थोड़ा परेशानी में जीना है कि हाँ ठीक है किसी तरीके से EMI देते रहो 2 साल तक, बाद में प्राइसेस रिबाउंस करेंगे। US में तो क्या लॉ है, आपने लोन लिया 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए के घर पे आपने लोन लिया, करेक्ट, लोन कितना मिल जाएगा, 80 लाख रुपए लोन मिल जाएगा। कल 1 करोड़ के घर की प्राइस पहुंच गई 5 करोड़, तो पता है क्या करते, दे कॉल यू अप, जैसे आपके घर की प्राइस 1 करोड़ से 5 करोड़ हो गई है, आप चाहो तो हम आपको लोन ज्यादा दे देंगे। मैं पहले ही ले चुका हूँ, मैं तो 1 करोड़ पे 80 लाख रुपए ले चुका हूँ ना, वो बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बचे आपको
अब अगर आप ये घर आज लेते तो आप 5 करोड़ का होता, तो आप आज के हिसाब से कितने के लिए एलिजिबल थे? लेट्स से 300,000 के लिए। 5 करोड़, अगर ये घर आज आपने लिया 1 करोड़ का था, आज ये 5 करोड़ का है, 5 का अगर हम आपको 60% देते तो हम आपको 3 करोड़ का लोन दे देते ना, आपने सिर्फ 80 लाख लिया, आप चाहो तो आप 2 करोड़ 20 लाख का और लोन ले लो। एंड वॉट पीपल डू इज दे टेक दैट एडिशनल लोन बाय द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, वापस आते हैं इस पे। ये सब क्यों बताया था? मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज के लिए बताया था। यहाँ पे व्हेन दिस वाज नॉट इफेक्टिव पॉलिसी रेट द बैंक्स हैड टू लीड ऑन टू द आरबीआई, द रिजर्व बैंक हैड टू लीड टू समथिंग कॉल्ड क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग आपकी बुक्स में क्वांटिटेटिव ईजिंग 1, क्वांटिटेटिव ईजिंग 2 ऐसा करके लिखा हुआ है। प्रैक्टिकली इसमें था क्या? द रिजर्व बैंक गोज टू कमर्शियल बैंक, सेज दैट ओके मैं आपको पैसा दे रहा हूं, आप अपने लोन्स मुझे दे दीजिए। कौन से लोन्स? मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, होम लोन्स, अदर सिक्योरिटीज, मतलब सिक्योरिटीज अदर देन जीसेक्स, ये मुझे दे दीजिए। ऐसा करने का इंटेंशन क्या था? कि इनके पास पैसा पहुंच जाए, मनी की सप्लाई इंक्रीज करना वॉज दी ओनली इंटेंशन। ठीक है जी, ये समझाना चाह रहा था मैं। आर बी गुड? यस आर नो? देखना, लार्ज अमाउंट ऑफ मॉर्गेज सिक्योरिटीज वर परचेज फ्रॉम बैंक्स टू इनकरेज बैंक लेंडिंग एंड टू रिड्यूस मॉर्गेज रेट्स इन एन अटेम्प्ट टू रिवाइव द हाउसिंग मार्केट व्हिच हैड कोलैप्स्ड। व्हेन दिस प्रोग्राम डिड नॉट हैव द डिजायर्ड इफेक्ट, अ सेकंड राउंड क्वांटिटेटिव ईजिंग 2 वाज इनिशिएटेड। द फेड परचेज लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इन लार्ज क्वांटिटीज विद द गोल ऑफ ब्रिंगिंग डाउन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स एंड जनरेट एक्सेसिव रिजर्व्स टू इंक्रीज लेंडिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। The Fed also purchased securities with credit risk as part of its quantitative easing, improving banks' balance sheets, but perhaps shifting risk from private sector to public sector. हाँ या ना? ठीक है, आप अगर ये पूरा का पूरा ऐसे पढ़ोगे तो शायद वो it might not ring a bell in your mind, but with this background of 2008 crisis, I'm sure it आपको समझ आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कि कुल मिला के ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या हो रहा था? आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रहे थे, अब आप क्या कर रहे हो? आप प्राइवेट सिक्योरिटीज, प्राइवेट लोन्स तक खरीद रहे हो उनसे कि चल तेरी बैलेंस शीट इंप्रूव हो जाएगी। इंटेंट क्या है यहाँ पे? इंटेंट मनी सप्लाई को इंक्रीज करना, सेकंड बैंक की बैलेंस शीट को, कमर्शियल बैंक की बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करना। ठीक है जी, These are the two points. आगे मूव करें। ये कौन सा एसी? क्या एसी? एसी कह रहे एसी चलाओ। रजाई लेके आओ पहले, फिर एसी चलाना। ठीक है, लेट अस मूव अहेड। तो ना एज सच आप अभी तक के क्या बोल रहे थे? कि व्हेन यू इंक्रीज पॉलिसी रेट, इफ यू इंक्रीज पॉलिसी रेट तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? इन्फ्लेशन वुड गो डाउन, यस नो? इंक्रीज पॉलिसी रेट से आपका क्या मतलब था? कि शॉर्ट रन का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया और उससे पॉलिसी रेट, सॉरी, उससे इन्फ्लेशन डाउन हो गया, यस नो? बट प्रॉब्लम क्या है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का इंपैक्ट सेम नहीं होता। मॉनेटरी पॉलिसी में एजम्पशन ये लिया गया कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के ऊपर इंपैक्ट सेम आएगा, दैट्स नॉट द केस। इट्स लाइक दिस, अगर पॉलिसी रेट्स इंक्रीज किए जाए तो लॉन्ग रन इंपैक्ट की बात कर रहा हूं। एक बार पहले सुन लीजिए, लिखने का टाइम भी दे दूंगा और नोट्स भी बनवा दूंगा, चिंता ना करें। लॉन्ग रन का इंपैक्ट देखिएगा, व्हेन द पॉलिसी रेट्स आर इंक्रीज्ड, लॉन्ग रन में इंपैक्ट ये होता है कि ग्रोथ के प्रिडिक्शंस नीचे चल जा रहे हैं, यस नो? ग्रोथ आउटलुक जो है वो डिमिनिश हो जा रहा है लॉन्ग टर्म के लिए,
बिकॉज वॉट आर वॉट वुड द वॉट यू कॉल द इन्वेस्टर्स एट लार्ज थिंक, उनको लगेगा गवर्नमेंट चाह रहा है कि प्राइजेस नीचे रहे, हाँ या ना? तो लॉन्ग रन में क्या हो रहा, लॉन्ग रन में ग्रोथ डाउन, यस नो? लोग इस वजह से क्या चीज करेंगे, लोग बोलेंगे जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, लॉन्ग टर्म एफडीज हैं, वो ज्यादा ले लो। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ रेट नीचे होगा ना। अगर मुझे लगता है इंडिया में अगले 10 साल में ग्रोथ कुछ नहीं होने वाली है, तो मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा क्या? नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करूंगा, हाँ या ना? अभी ये जो इतनी इंडिया स्टोरी बेचते हैं जाके हर जगह से, या जैसे अगर अब करंट गवर्नमेंट देखो, दे आर ब्लडी एक्टिव। मतलब अगेन ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, बट आई एम सेइंग दैट, मैं पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक कि पिछली गवर्नमेंट काम नहीं कर रही थी। अब UPA 1 की बात करो तो प्रोबेबली इंडिया का ग्रोथ रेट उससे ज्यादा कभी हुआ ही नहीं। इंडिया अटेंड इट्स हाईएस्ट ग्रोथ रेट ड्यूरिंग UPA 1। UPA 2 वॉज मार्ड विथ वॉट, ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्कैम्स एंड स्टफ, कोल स्कैम, 2G स्कैम एंड दिस एंड दैट, ये सब हो गया, ठीक है, उनका नाम वाम बहुत डाउन हो गया, मोदी साहब की ब्रांडिंग बहुत अच्छी थी, एवरीथिंग गोज वेल, करेक्ट। बट मैं बोल रहा हूँ UPA 1 के टाइम पे जो ग्रोथ रेट था इकोनॉमी का, वो शायद आज भी नहीं है, अगले 3 साल में भी ऑलमोस्ट मुश्किल होगा अटेन करना। वो डबल डिजिट भी जा रहा था, टॉकिंग अबाउट 12%, 10%, 9% ऐसे ग्रोथ रेट है ना। बट दे वर नॉट वेरी गुड एट मार्केटिंग, दे वर नॉट, वो उतने अच्छे से बात ही नहीं कर पाएंगे उसके ऊपर, दे वुड इधर बी साइलेंट और यहीं पर ही फिर, या फिर अपना यहीं पर ही, ठीक है, देश में थोड़ी बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया। वॉट करेंट गवर्नमेंट डज इज दैट, योर फोक्स आर गोइंग आउटसाइड, ये जाएंगे जाके मेडिसन स्क्वायर गार्डन में डिस्कशन करके आ रहे हैं, बोल रहे हैं हाँ देखो इंडिया विश्व गुरु, लोग ताली बजा रहे हैं, क्यों? वहां सारे इंडिया नहीं बैठे, वो ताली बजाएंगे ही बजाएंगे। आप इंडिया का मैच कराते हो अमेरिका में जाके तो सारे इंडियंस आके ताली बजा रहे हैं, तो जब आप मोदी साहब वहां जाएंगे तो कैसे, बहुत अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो इट्स लाइक हूटिंग योर ओन हॉर्न्स, ठीक है, बट उससे हो क्या रहा है, पब्लिक सेंटिमेंट अच्छा है, एंड दैट्स हाउ मतलब अ लॉट ऑफ साइकी वर्क्स। मैं नहीं बोल रहा काम नहीं हो रहा, मैं बोल रहा हूँ काम पहले भी हो रहा था लेकिन आवाज नहीं हो रही थी, तो लोगों को इंडिया पता था बट दे वर नॉट एज बुलिश। नाउ मैं आपको बता रहा हूँ, इन लास्ट 3 मंथ्स व्हेनेवर आई हैव टॉक टू समवन अबाउट इन्वेस्टिंग इन इंडिया, मेरे को, मैं बेचता ही नहीं हूँ, आई एम जस्ट सेंडिंग आउट अ स्मॉल आर्टिकल कि यार ऐसा ऐसा है, एंड पीपल आर राइटिंग बैक सेइंग हाँ आई नो इंडिया बहुत बुलिश है, हम तो खुद देख रहे हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट, तुम बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। अरे मेरे को लग रहा था बोलेंगे कहाँ इंडिया, वो कह रहे नहीं 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 इंडिया ये बहुत सही ऐसा वैसा, तो चाइना से रिलेशन समझाओ मुझे इंडिया का, कॉल पे आके बोल रहे हैं चाइना से रिलेशन समझाओ, रशिया से कैसा रिलेशन, जियो पॉलिटिक्स की बात हो रही है। मतलब मुझे लग रहा था कि ये बैठा है इतना बड़ा फंड चला रहा है, इसको धंधा समझना चाहिए मेरे से, ये इंडिया रशिया और इंडिया चाइना में इंटरेस्टेड। मुझे एक आध बंदा से बात हुई, मुझे लगा बेवकूफ है, क्या हो गया फिर हार्वर्ड वार्वर्ड गया तो दिमाग कमी है। उसके बाद में देखा हरी बंदा यही आके पूछ रहा है, मैं क्या छोड़ो कंपनी अपनी, पहले जियो पॉलिटिक्स ही पढ़ते हैं ढंग से बैठ के यही सुनना है सबने, यही मतलब आई शुड हैव मोर इनसाइट्स ऑन दैट, है ना। अब अगर मैं करेंट गवर्नमेंट के लिए देख बोलूं तो आप देखो वो इतना अच्छे से मार्केटिंग करते हैं कि द वर्ल्ड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यस यू आर डूइंग ब्लडी वेल, आपकी कंट्री सॉर्टेड है, आपकी इकोनॉमी सॉर्टेड है, ये इतना सॉर्टेड है बोल रहे हैं, मतलब इट हैज गॉट 2-pronged इफेक्ट। एक तो आप अच्छा करो 1 यूनिट, बाहर जाके 100 यूनिट बोलो तो लोग पैसा डालेंगे ऑटोमेटिकली, जब लोग पैसा डालेंगे तो मार्केट ऊपर जा रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं देखिए हमने बोला था ना अच्छा कर रहे हैं, तुम बोल रहे थे 100 यूनिट, कर रहे थे 1 यूनिट, पैसा आया 100 यूनिट का, देख इम्पैक्ट आ रहा है 1000 यूनिट का, तो शायद तुम जितना अच्छा कर भी नहीं रहे थे वो ऑटोमेटिकली हो रहा है बिकॉज ऑफ ए ब्लडी गुड ब्रांडिंग, ठीक है, ऐसा लोग बोल सकते हैं। मुझे तो लगता है काम भी बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं है, ठीक है, मुझे इसी देश में रहना है, सब कुछ सही है भाई,
सब कुछ परफेक्ट हो रहा है, ठीक है। लॉन्ग रन इम्पैक्ट, अच्छा हाँ ये तो मैं समझाना क्या चाहता है, वॉज ट्राइंग टू से दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर बुलिश ऑन इंडियन मार्केट बिकॉज यू एक्सपेक्ट द ग्रोथ टू बी देयर। इफ यू डोंट एक्सपेक्ट द ग्रोथ टू बी देयर, वेयर विल यू इन्वेस्ट? यू विल से ओके लेट्स इन्वेस्ट इन सेफ सिक्योरिटीज, जी से गवर्नमेंट बॉन्ड्स, दिस दैट। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में अगर पैसा लगाओगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट विल व्हाट? इट गोज डाउन बिकॉज प्राइस और इंटरेस्ट रेट का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। अब देखना हो क्या रहा था, पॉलिसी रेट इंक्रीज होने से शॉर्ट रन इंपैक्ट क्या था? शॉर्ट रन इंपैक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट क्या था? इंक्रीज। और लॉन्ग रन इंपैक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट क्या है? डिक्रीज। बट मॉनेटरी पॉलिसी एज्यूम क्या कर रही थी कि दोनों का, रुको, मॉनेटरी पॉलिसी एज्यूम दैट इंपैक्ट ऑन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इंटरेस्ट रेट इज सिमिलर। ये सच नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। हाँ या ना? हाँ अरे रवि ये सब बातें ठीक है जी। द लॉन्ग रन इंपैक्ट इज, अच्छा इंटरेस्ट रेट्स हो गए डाउन। अब इंटरेस्ट रेट्स डाउन हो गए, अब क्या होगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ले के लोग पार्क कहां करेंगे फंड्स? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट वुड इंक्रीज, है ना? इसकी वजह से प्राइसेस वुड, आप करने क्या निकले थे? और यहां हो क्या गया? तो बोलना ये चाह रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का इंटेंट क्या था? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो शॉर्ट रन में ये करना की कोशिश थी, लेकिन लॉन्ग रन में क्या कर बैठे? इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। आप नोट कर सकते हैं ये सारा का सारा। मैं रिकॉर्डिंग एक बार पॉज कर दे रहा हूँ, यू मे जस्ट नोट दिस एंड देन विल मूव इट। एक कैंडिडेट ने पूछा कि भाई सर ये लॉन्ग रन में इम्पैक्ट कम क्यों हो रहा है, ये ना मतलब लॉन्ग रन में ग्रोथ कम क्यों हो रही है? आई एम सेइंग ये परसीव्ड इम्पैक्ट है। जब पॉलिसी रेट्स इंक्रीज किए जा रहे हैं, व्हेन द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स, इज इंक्रीजिंग द पॉलिसी रेट्स, दी देर इज अ सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन विच एक्सपेक्ट्स कि भाई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। आप सोचो ना, देर आर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन विच इज प्रोबेबली स्मार्टर, दे आर थिंकिंग बॉस इंटरेस्ट रेट्स तो बढ़ा रहे हैं, ये इंटरेस्ट रेट्स तो बढ़ा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? ये पैसा खींच रहे हैं मार्केट से, ये पैसा खींच रहे हैं मार्केट से। अगर ये पैसा खींच लेंगे मार्केट से तो यार पक्का पक्का लॉन्ग टर्म में तो ग्रोथ रेट कम हो ही जाएगी। तो मैं इस हिसाब से क्यों अपना डिसीजन ना लूं कि लॉन्ग टर्म में अगर इंटरेस्ट रेट गिरे तो क्या करना चाहिए? ये जो सारी की सारी चीजें करते हैं, ये सारा का सारा जो काम करते हैं, इनको आपकी बुक्स ने बोला है बॉन्ड मार्केट विजिलेंटीज। बॉन्ड मार्केट विजिलेंटीज, सर ये विजिलेंटीज ज्यादा अंग्रेजी नहीं हो गई? क्या होता है विजिलेंटी मीनिंग? हाँ नहीं पता, विजिलेंट का मीनिंग सतर्क है। ओके करेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजिलेंटी? बिल्कुल जो सतर्क रहे, बिल्कुल सही बात है। सुनना, जैसे शायद आप रिलेट कर पाओगे, जैसे बैटमैन को विजिलेंटी बोला जाएगा,
किसी ने वो शो देखा था एरो नाम से? हाँ, तो एरो में अपने आपको वो विजिलेंटी बोलता था। विजिलेंटी मतलब समवन हु डज द राइट थिंग, हु इज नॉट फॉलोइंग द नॉर्म। ठीक है, ऐसे लिटरल डिक्शनरी मीनिंग नहीं पता मुझे। ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड इट, विजिलेंटी जैसे एरो, या मतलब समवन हु इज टेकिंग द लॉ इन हिज हैंड्स बट डूइंग द राइट थिंग इन हिज ओन माइंड। शक्तिमान हाँ, शक्तिमान, यस, समवन सर शक्तिमान, यस यस, इंडियन विजिलेंटी की बात करते हैं ना, कहाँ एरो एरो में पहुंच गया, एरो बैटमैन बैटमैन, शक्तिमान, करेक्ट, बिल्कुल। ठीक है जी, आगे चलें, एक लास्ट लिमिटेशन रह गया, वो करते हैं। सुनना, एज सच व्हाट हैपेंस इज दैट, ये सुन लो, उसके बाद इसके भी नोट्स वगैरह देख लेंगे। ये है इंटरेस्ट रेट और ये है क्वांटिटी, मतलब एक तरीके से ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस ऑफ मनी। प्राइस ऑफ मनी इज नथिंग बट इंटरेस्ट रेट। मुझे बताओ मनी का डिमांड का वो कैसा होगा? डिमांड कर्व फॉर मनी, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे डिमांड कम, कम इंटरेस्ट रेट पे डिमांड ज्यादा, यस नो, है ना, दिस इज द डिमांड रेट फॉर मनी। मनी सप्लाई इज कंसिडर्ड टू बी अ वर्टिकल स्लोप्ड, मनी सप्लाई इज कंसिडर्ड टू बी वर्टिकल स्लोप। क्या बोल रहे हैं? मनी की सप्लाई फिक्स्ड है, सेंट्रल बैंक के एंड से मनी की सप्लाई फिक्स्ड है, ठीक है जी, इस वजह से वर्टिकल स्लोप, बिकॉज इट हैज गॉट नो रिलेशनशिप विद द इंटरेस्ट रेट, ठीक है जी। अब गवर्नमेंट मुझे एक बात बताना, जब ये कोशिश कर रही है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी से मनी पे इंपैक्ट लेके आए, तो वो क्या सोच रहे हैं कि हम अगर इसे लेफ्ट राइट कर दें, अगर हम इसे लेफ्ट राइट कर दें, अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, तो दिस इज वेयर वी विल ऑपरेट, घटा दें तो दिस इज वेयर वी विल ऑपरेट, यस नो, करेक्ट, एज सच दे आर राइट। एक एक करके चल रहे हैं। स्टेप नंबर वन, मनी का डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड, मनी डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड, एज सच मनी डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड। मनी सप्लाई कर्व इज अ वर्टिकल लाइन, मतलब इंटरेस्ट रेट पे डिपेंडेंसी नहीं है। गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है? गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि वो मॉनेटरी, मतलब वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर ले यूजिंग, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर ले यूजिंग दिस मनी सप्लाई, यस नो। इन्होंने मनी सप्लाई घटाई तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ाई तो इंटरेस्ट रेट घट जाएगा, तो व्हाट व्हाट इज द इंटेंशन? अगर डिमांड कर्व ऑफ मनी इज नेगेटिवली स्लोप्ड एंड वी चेंज द मनी सप्लाई फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम सप्लाई ए टू सप्लाई बी, और फ्रॉम सप्लाई ए टू सप्लाई सी, द इंटरेस्ट रेट्स विल चेंज, हाँ या ना? अभी के लिए इंटरेस्ट रेट ये है, ये स्टार इज द इंटरेस्ट रेट एज ऑफ नाउ, ठीक है, पॉलिसी रेट चेंज हो जाएंगे, उसके आगे की कहानी तो आपको पता ही है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, अब ये देखना, दिस इज बेस केस सिनेरियो। देखना आपकी बुक्स क्या कह रही है, इट सेज देयर इज अ सिचुएशन इफ द मनी, इफ द डिमांड फॉर मनी बिकम्स वेरी इलास्टिक एंड इंडिविजुअल्स विलिंगली होल्ड मोर मनी इवन विदाउट अ डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म रेट्स। क्या बोलना चाह रहा हूं, ये बेस केस सिनेरियो था, कह रहे हैं अगर मनी की डिमांड कर्व बिकम्स वेरी इलास्टिक, देन ये मेरी मॉनेटरी सप्लाई है, ठीक है ना,
इंटरेस्ट रेट क्या है स्टार, अगर गवर्नमेंट मनी सप्लाई को कम कर दे तो भी सेम, और अगर बढ़ा दे तो भी सेम, तो मॉनेटरी पॉलिसी विल बिकम इनइफेक्टिव, कब, जब मनी की जो डिमांड है वो हो बहुत इलास्टिक। ठीक है जी, इसका एक्सप्लेनेशन लिख लो, आपके बुक से पढ़ने पे शायद आपको नहीं क्लिक करेगी ये क्या बोलना चाह रहे हैं। यहां लिखो, एज सच डिमांड फॉर मनी इज नेगेटिवली स्लोप्ड, सप्लाई ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंट वर्टिकल, हाउ वुड रिजर्व बैंक चेंज द इंटरेस्ट रेट। By changing the monetary supply, decrease किया, interest rate increase कर जाएगा, monetary supply increase किया, interest rate decrease कर जाएगा, हाँ या ना, केस तो यही था। Equilibrium interest rate is equal to I star, interest rate increase करके I one हो जाएगा, I high, I H, और interest rate decrease करके I low, इसको लिख लो I H और I low। अगर आप ये graph नहीं बना रहे हो, तो कुछ भी नहीं बनेगा, monetary supply decrease और increase, ये नहीं, मतलब आपको बाद में समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। This is point number one, this is two, this is थ्री, दिस इज फोर, दिस इज फाइव, दिस इज सिक्स, दिस इज सेवन। ठीक है ना, दिस इज जनरल सिनेरियो। This जनरल सिनेरियो, यहां पे क्या लिख रहे हैं, रेयर सिनेरियो, रेयर केस, या फिर एक्सट्रीम सिनेरियो। डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू इलास्टिक इज इक्वल टू, लेट्स से मैं तो यहां पे लिख दे रहा हूं परफेक्टली इलास्टिक, मैंने आपको परफेक्टली इलास्टिक से समझा दिया, आपकी बुक्स जो है ना वो इलास्टिक वाला केस कह रही है, मैं परफेक्टली इलास्टिक से बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। If this is perfectly elastic, तो बोलना क्या चाह रहे हैं, इंडिविजुअल्स होल्ड मोर मनी इवन विदाउट डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म रेट्स। जनरली क्या होता है, लोग हाथ में पैसा कब ज्यादा चाहेंगे, जब रेट्स डिक्रीज हो, बट अगर डिमांड कर्व हो जाए बहुत इलास्टिक, मीनिंग कि लोग अपने हाथ में ज्यादा पैसा मांग रहे हैं इवन दो शॉर्ट टर्म रेट्स डिक्रीज नहीं हो रहे हैं, पीपल डिमांड मोर मनी इवन विदाउट डिक्रीज इन रेट्स। देखो ना यहां पे इसकी इंटरप्रिटेशन क्या आ रही है, कि इस इंटरेस्ट रेट पे जितना मर्जी चाहे उतना पैसा दे सकते हो आप लोगों को, हाँ या ना, People are willing to lend like anything. ठीक है, ऐसा सिनेरियो होगा तो क्या होगा, चाहे आप मॉनेटरी सप्लाई को डिक्रीज करो, चाहे आप मॉनेटरी सप्लाई को इंक्रीज करो, इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट, यस और नो। It continues to be at I star.
ठीक है जी। दिस इज इट एज फार एज लिमिटेशंस वॉज कंसर्न्ड। मैंने सारी की सारी चीजें कवर कर ली हैं। इस सिचुएशन जस्ट जस्ट वन सेक जस्ट वन सेक। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप। दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप। तो मैंने लिक्विडिटी ट्रैप डिस्कस कर लिया, मैंने बॉन्ड मार्केट विजिलेंटीज डिस्कस कर लिए, क्वांटिटेटिव ईजिंग डिस्कस कर लिया और डिफ्लेशन का सिनेरियो भी डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, एंडिंग दिस वीडियो ओवर हियर। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। वी विल बी डिस्कसिंग फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी टूल्स, और उसके बाद लास्ट चीज, इस ये वाला जो चैप्टर है आपका मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें सारे टॉपिक्स हो गए हैं। एक लास्ट टॉपिक है, एक्सप्लेन द इंट्रैक्शन ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। ये टॉपिक नहीं किया क्योंकि अभी तक फिस्कल पॉलिसी नहीं पढ़ा है। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कंप्लीट करने के बाद ये वाला टॉपिक आपसे खुद भी हो जाएगा, नहीं तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनी विच वेज दिस वुड बी डन। ठीक है, पॉइंट नंबर 8, मॉनेटरी पॉलिसी लिमिटेशंस। देखना, मुझे एक बात बताओ, अगर इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट हो, अगर इन्फ्लेशनरी इफ करंट इन्वायरमेंट इज इन्फ्लेशनरी, तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी? कंट्रोल इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट इंटेंट क्या होगा? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, यस नो? कैसे करेंगे ये? पॉलिसी रेट को क्या करना पड़ेगा? कैसे करेंगे पॉलिसी रेट को? इंक्रीज डिक्रीज, पॉलिसी रेट को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है ना? चलो आगे देखना। अब मुझे बताओ, अगर अगर करंट एनवायरनमेंट डिफ्लेशनरी हो सकता है ना? अगर करंट एनवायरनमेंट डिफ्लेशनरी हो तो क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल डिफ्लेशन। मीनिंग, मतलब यू विल ट्राई टू मेक इट इन्फ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी मतलब क्या है? कि चीजों के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। डिफ्लेशनरी मतलब क्या है? प्राइसेस घट रहे हैं। ठीक है ना? तो व्हाट वुड यू वांट? कंट्रोल डिफ्लेशन मीनिंग यू वुड वांट टू क्रिएट इन्फ्लेशन। हाँ या ना? सही कह रहा हूं ना? कैसे करोगे? पॉलिसी रेट्स को, पक्की बात है, ये अगर ऑलमोस्ट जीरो के पास पहुंच जाए, ये अगर ऑलमोस्ट जीरो के पास पहुंच जाए, मान लो अभी फोर है, फोर से रिड्यूस करके थ्री, थ्री से रिड्यूस करके टू, टू से रिड्यूस करके वन, वन से रिड्यूस करके जीरो, ये पहुंच गया जीरो। अभी भी डिफ्लेशनरी इन्वायरमेंट ही है। अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्या रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन होगी भी? बिल्कुल, आपके सामने एविडेंट एग्जाम्पल है। पॉलिसी रेट्स रिड्यूस कर देंगे, बट इफ इट्स ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटली जीरो, देन वॉट? पॉलिसी रेट्स ऑब्लिक मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स इन इफेक्टिव। यहां कुछ नहीं हो सकता, कोई और चारा देखना पड़ेगा। ठीक है जी, नोट कर लीजिए सारे के सारे। एग्जाम्पल, जापान।
अब देखना वर्ल्ड ओवर आज से अगर 7-8 साल पहले चले जाए, बीच में ना जापान में ना कुछ प्रॉब्लम हुई थी, आए कुछ न्यूक्लियर फिजन या वैसा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, गैस लीक्स हुए थे, कुछ ऐसा ट्रबल हुआ था, उसके बाद दे स्टार्टेड पुलिंग बैक देयर फंड्स बिकॉज दे लॉस्ट बिग टाइम इन दैट। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात अराउंड 2014 2012 के 12-13 के आसपास की बात बता रहा हूँ। उसके पहले तो ऐसा था कि जापान यूज टू बी द फंडिंग गेटवे फॉर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द ग्लोब। इनफैक्ट ये दिल्ली मेट्रो जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, इसका लोन इन्होंने जापान से लिया, दे गॉट इट फंडेड फ्रॉम जापान। एक्चुअली द इंटरेस्ट रेट हैड रीच नेगेटिव लेवल ओवर देयर, द इंटरेस्ट रेट वॉज -0.2। -0.2 इंटरेस्ट रेट का मतलब समझ रहे हो आप, कि आप बोल रहे हो कि लुक मैं बैंक हूं, मेरे पास 100 रुपए पड़े, तुम मुझसे 100 रुपए ले, अगले साल आइयो 99.8 दे के जाइए, पैसे ले जाओ बस, हाँ है ना सर, तो बहुत बढ़िया है, ऐसा हमें मिल जाए, ऐसा बिल्कुल तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा तुम्हें मिल जाता अगर तुम जापान में होते तो। लेकिन तुम पैसे लेके करते क्या, तुम पैसे लेके करते क्या, कुछ नहीं कर सकते थे तुम। एक कैंडिडेट ने बोला हम वहां से पैसे ले लेते और यहाँ पैसे दे देते, हम में ही ऐसी बुद्धि है बस, ये दुनियाधान के जो बैंक्स हैं सब बेवकूफ हैं वो। ये तो बहुत ही आसान हो गया, किया जा सकता है ना फिर ये तो, ये चीज की नहीं जा पाएगी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी है ना, वो डेरिवेटिव में और आप इकोनॉमिक्स में L2 में सीख जाएंगे, उतनी उतनी इजीली पॉसिबल नहीं है। हाँ बिल्कुल उसका इम्पैक्ट करेंसी पे आ जाएगा, बट ठीक है। इनफैक्ट आप सोच पा रहे हो तो आपको मैं एक और चीज बोलता हूँ, जो लोगों ने डेरिवेटिव में मेरे साथ ये चीज पढ़ी हुई है ऑलरेडी। अच्छा मैंने आपसे क्लास में टोयोटा वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया था, हाँ अब वो 34 में गया है 32 वाले में गया याद नहीं है। करेक्ट, मैंने आपको कहा था कि आपको क्या लगता है, अच्छा इसी क्लास में तो किया था डिस्कस, आई कैन रिमेम्बर, आई कैन रिकॉल, हमने बात की थी कि मुझे एक बात बताओ, अगर तुम चांदनी चौक के डिस्ट्रीब्यूटर हो, काजू बादाम के सुपारी के व्यापारी, ठीक है, और फॉरेक्स ऊपर नीचे हो भी जाए तो तुम्हें फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। तुम्हें आज तक के जब तक CFA में नहीं आए थे डॉलर बढ़ने का दर्द होता था, नहीं होता था, अब होता है, बहुत होता है, क्यों होता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमने पेमेंट USD में करनी है, तुम्हारा एक्सपोजर होगा तो तुम्हें दर्द होगा। अब अगर जापान के एंगल से देखें तो जापानीज गवर्नमेंट क्या बोलेगी, कि अगर हम जापानीज येन को किसी तरीके से मैनिपुलेशन करके, किसी तरीके से मैनेज करके कम रख पाए, डिप्रेस्ड रख पाए, तो लोगों को जापानीज येन सस्ता लगेगा तो लोगों को टोयोटा सस्ती पड़ेगी, अगर उनको टोयोटा सस्ती पड़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, वो धंधा देंगे, हमारे देश की तरक्की होगी, ठीक है ना, द कंट्रीज GDP इज राइजिंग इजंट इट, क्योंकि एक्सपोर्ट्स राइज कर जाएंगे, NX में X इज राइजिंग, एग्रीगेट डिमांड इज राइजिंग, एग्रीगेट डिमांड GDP सेम थिंग, तो GDP इज राइजिंग, एंड में तो गवर्नमेंट का इंटेंशन यही है कि GDP को बढ़ाना है। अब एक बार सोच के देखो, हमने इंटरेस्ट रेट पैरिटी, जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा वो इग्नोर कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी में आपने पढ़ा क्या है, कि जिस जगह का इंटरेस्ट ज्यादा होगा वो जगह की करेंसी डेप्रिशिएट करेगी, एंड वाइस वर्सा। अब यहां पे गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है, करेंसी को डेप्रिशिएट रखना है, जापानीज करेंसी को डेप्रिशिएट रखना है ना, तो यहाँ के इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे, कम होंगे, हाँ या ना, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, करेक्ट,